मिलकर प्रसन्न बने। कुछ क्षणों तक गायत्री अनुष्ठान करेंगे। यदि बहुत गहरे तक जाने की इच्छा हो तो फिर कोमलता से अपने नेत्रों को बंद कर इस आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। लाभ तो सभी को होगा, गायत्री सावित्री मंत्र का संदेश स्वर में गायन करते हुए हम ईश से प्रार्थना करेंगे। तो आइए आरंभ करेंगे। श्वास को अच्छे से भरकर उस जगदीशा के निज नाम, मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम, प्यारे नाम ओम का प्रथम उच्चारण करते हुए ऐसा हम तीन बार करेंगे, पश्चात पवित्र गायत्री सावित्री मंत्र का पाठ करेंगे। भगवान सुख हो या दुख भगवान,
तुमको कभी न भूले, तुमको कभी न भूले, हर हाल में प्रभु जी, हर हाल में प्रभु जी, हमको हंसाए रखना, जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना, उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, हम काम वो करें ना, हम काम वो करें ना, जिससे हो दुख किसी को, जिससे हो दुख किसी को, हम काम वो करें नित, जिससे हो सुख सभी को, जिससे हो सुख सभी को, हर हित की भावना को, हर हित की भावना को, मन में बसाए रखना, जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना, उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, किसने हमें दिया क्या, किसने हमें दिया क्या, हम ये कभी न सोचे, हम ये कभी न सोचे, हमने उन्हें दिया क्या, हमने उन्हें दिया क्या, सोचे बस ये सोचे, सोचे तो बस ये सोचे, बदले की भावना को, बदले की भावना को, मन में मन से मिटाए रखना, मन से बदले की भावना को, बदले की भावना को, मन से मिटाए रखना, मन से मिटाए रखना, कृपा बनाए रखना, हम पाप की कमाई, हम पाप की कमाई, का अन्न घर न लाए, का अन्न घर न लाए, मेहनत से ही कमा कर, मेहनत से ही कमा कर, खुद खाए और खिलाए, खाए और खिलाए, पापी के अन्न से भी, पापी के अन्न से भी, प्रभु जी बचाए रखना, प्रभु जी बचाए रखना, पापी के अन्न से भी, पापी के अन्न से भी, प्रभु जी
मुझे बचाए रखना, प्रभु जी बचाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, सूरज की भांति होवे, सूरज की भांति होवे, प्रभु जी चरित्र उज्जल, प्रभु जी चरित्र उज्जल, हो चांद जैसा प्रभु जी, हो चांद जैसा प्रभु जी, व्यवहार में शीतल, नदियों की भांति प्रभु जी, नदियों की भांति प्रभु जी, हमको बहाए रखना, हमको बहाए रखना, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना, उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, हम तो प्रभु है बालक, हमसे है भूल संभव, हमसे भूल संभव, तुम भूल जाओ हमको, तुम भूल जाओ हमको, ये बात है असंभव, चरणों में प्रभु जी, चरणों में प्रभु जी, हमको बिठाए रखना, हमको बिठाए रखना, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना, उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, ओ पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूवथ अदाते सुम्नमीमहे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सुभाग दूर, मिले भरोसा आपका
हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे ममनीष। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाय के सबको करो निहाल। मन में दया उदारता दिल में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करता। नारायण तुम आप हो पाप के मोचन हार, दूर करो दुर्गुण सभी कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दयानम्रता दान, प्रभु दयानम्रता दान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए वेद भगवान की। अपने आर्य समाज गांधीधाम गुजरात के इस 68वें वार्षिक उत्सव के प्रथम दिवस की प्रथम बेला में उपस्थित आप सभी पवित्र आत्माओं, पूजा की योग्य वंदनीय मातृशक्ति, इस समाज के यशस्वी प्रधान जी श्रद्धेय आचार्य वासुदेव आर्य जी, समाज के उप प्रधान श्रद्धेय मोहनलाल जंगड़ जी, अपने यशस्वी मंत्री श्रीमान गुरुदत्त शर्मा जी, कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान राजेंद्र जी गौड़, श्रद्धेय कल्याण जी, श्रद्धेय चंद्र प्रकाश जी, बहन सरिता जी, माता विमला देवी जांगीर, यशपाल शर्मा जी, योगेंद्र आर्य जी, अशोक जी पोपट, और जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, आप सभी पवित्र आत्माओं, आर्यभद्र पुरुषों, बालक और बालिकाओं, नगरवासियों, हम लोग इस वेला में अच्छे प्रकार से चिंतन करने को उपस्थित हुए। मुझसे पूर्व मेरे अपने जनपद के बदायूं उत्तर प्रदेश से आए जो एक बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं, और आपके मंदिर में जो लेखन आप देख रहे हैं वो सब जिन्होंने यहां पर्याप्त समय से आकर के किया है, ऐसे हमारे अग्रज श्रद्धेय पंडित प्रणव मिश्र जी, उनके पुत्र भी यहां पर कुछ समय पहले आए हुए थे, एक सर्विस करते हैं वो ईश्वरप्रिय आर्य और तेजस आर्य भी यहां आए हुए हैं और सेवाएं दे रहे हैं। ये पूरा परिवार पूरे मन से आर्य समाज की सेवा कर रहा है। ऋषि दयानंद के स्वप्नों को साकार करने के लिए पूरे मन से लगा हुआ है। जहां मेरा स्थान है वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर ही उनका भी ग्राम है, उस गांव वहां के निवासी, और मेरा अपना जो ग्राम है वो गौधनी नाम से जाना जाता है। मुझे याद आता है 1915 की वो घटना रही जब मेरे बाबा महाशय रूप किशोर आर्य जी
वैदिक सत्संग के साथ जुड़े थे और वो कैसे जुड़े तो पता चला था कि हमारे यहां से बहुत पास में ही 57 किलोमीटर कासगंज है, जहां महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज आए थे और वहां पर्याप्त समय तक वो रहे थे। और आपको संभवतः याद हो कि दो सांडों की लड़ाई का जिक्र आपने जरूर पढ़ा होगा, कहीं आपने तो जरूर पढ़ा होगा। तो वो कासगंज है ना, वो ये आर्यों के तीर्थ है। बदायूं में भी महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज आए थे और लगभग 17 दिन तक वो रहे थे वहां। ऋषि कुटीर भी है, हरिजनों ने उसको बनवाया, सागर ताल नाम का एक स्थान है, बहुत रमणीक है। तो भारत में जितने भी स्थानों पर ऋषि दयानंद थे, मेरी इच्छा होती है कि हम उन स्थानों को चिन्हित करके उनको प्रकाशित करें पत्रिका में और उनको हम तीर्थ नाम दें, क्योंकि संत जहां जाते हैं, जहां पर वेद का गान होता है, जहां यज्ञ होता है, वो स्थान तीर्थ होता है। क्योंकि तीर्थ नाम वैसे तो 70 वो का है, यज्ञ नाम तीर्थ, सत्संग नाम तीर्थ, दान भी तीर्थ है, सेवा तीर्थ है, सदाचार तीर्थ है। तो ये सब व्यवहार तीर्थ कहलाते हैं, लेकिन जिस स्थान पर ये सब हो वो स्थान भी तीर्थ कहलाता है। और महात्मा आनंद स्वामी जी ने, आपको शायद याद हो तो आपने बोध कथा नाम की पुस्तक पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें छोटी छोटी कथानकों के माध्यम से लिखी हैं। तो वे कथानक पे लिखते हैं कि मैं अपने एक मार्गदर्शक जो होता है, जो दुभाषिया होता है, उसके साथ जाना था और उखी मठ बद्रीनाथ धाम उधर हम लोग जा रहे थे। तो शाम का समय होने वाला था, अचानक बहुत चिकना सा बड़ा सा अच्छा सा पत्थर था, मेरा मन हुआ कि मैं उस पर बैठूं, और मैं उस पर बैठ गया। मेरे साथी लोग यहां वहां अपना घूमने लग गए और मैं संध्या में बैठ गया, आंखें बंद की कि ध्यान लग गए। अब कितनी देर में बैठा रहा मुझे पता नहीं, मेरे कानों में कुछ आवाजें सी आ गई, मुझे मानो कोई जगा रहा। और फिर मैंने आंख खोली तो अंधेरा आ गया था, पूरी तरह से शाम हो गई थी, और मेरे साथी लोग इस प्रतीक्षा में मेरे आसपास खड़े थे कि कब मैं आंखें खोलूं और कब वे मुझे लेकर के आगे जाएं जहां हमें ठहरना था। देर हो रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हम लोग आधा घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप लोग आंखें खोलते, लेकिन चूंकि भगवान में जब व्यक्ति बैठता है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसको टोक दे। और यही विशेष राय बड़े की विशेषता होती है, आप जब बड़े के पास बैठे होते तो छोटे लोग आपको टोकते नहीं। कल्पना करिए कि आप पति पत्नी दोनों आपस में बैठे, तो आपसे बड़े आपके ससुर हो गए, जैसे ही वो आए तो आप लोग अपनी वार्तालाप बंद कर देते हो और पिताजी से रूबरू हो जाते हो। अब बाकी किसी और की हिम्मत नहीं होती कि वो पिताजी के साथ आप बैठे हैं तो वो टोका टाकी, लेकिन पिताजी से भी बड़े घर के बाहर गांव का प्रधान है या नगर का मेयर है, जिलाधिकारी, कल्पना करो वो आ जाए आपके पास, तो फिर आप बाकी और अपने परिवार के सदस्यों को इग्नोर करेंगे और डीएम के ऊपर, प्रधान के ऊपर ध्यान देंगे, और उनसे अगर आपकी वार्ता शुरू हो जाए तो बाकी के लोग कहेंगे बोलना नहीं, टोकना नहीं, डीएम साहब के साथ वार्तालाप चल रहा है, कोई नहीं टोकता, लेकिन टोक सकता है।
कमिश्नर टोक सकता है। अब कल्पना करो डीएम से बड़ा कमिश्नर आ गया तो वो तो टोक ही देगा ना कि भाई फिर लोग कहेंगे अरे डीएम साहब कमिश्नर साहब आए हैं, तो डीएम साहब भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनको पता है मुझसे बड़े हैं मेरे अधिकारी। अब वो अगर आ गए तो फिर डीएम साहब भी आपकी वार्ता अगर कमिश्नर से हो रही है तो वो टोकेंगे नहीं, लेकिन टोक सकता है मुख्यमंत्री। अगर कल्पना करो आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री आ जाए तो फिर कमिश्नर साहब भी डीएम साहब भी प्रधान जी भी सब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि अरे मुख्यमंत्री साहब आए और आपसे अब वो कक्ष में बैठ करके संवाद शुरू कर दे, उनसे आपकी बातचीत होने लगी। तो जल्दी बताओ अब क्या कोई डीएम कमिश्नर भी टोकेगा? क्यों नहीं टोकेगा? क्योंकि आप उनसे भी बड़े मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप कर रहे, कोई नहीं टोकेगा, बल्कि गार्ड और खड़े हो जाएंगे कि कोई उनको डिस्टर्ब ना कर दे। लेकिन एक है जो टोक सकता है, वो है देश का प्रधानमंत्री। कल्पना करो मोदी जी आ जाए फिर, तब तो मुख्यमंत्री जी भी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अरे पीएम साहब आए हैं, और पीएम साहब से अगर आपकी वार्तालाप शुरू हो जाए एक झूले में बैठकर उनके साथ आप झूलने लगे और वार्तालाप करने लगे जैसे अपने मोदी जी करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री आए, जापान के आए, रशिया के भी आए, तो उनके साथ अगर उनका संवाद हो रहा है तो मुझे बताओ कि किसी भी मुख्यमंत्री तक का भी ये साहस है कि आपको टोक सके, आपको डिस्टर्ब कर ले? नहीं करेंगे, ये मर्यादा है। लेकिन अगर इससे भी बढ़कर के हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो अगर आवे तो एक बार प्रधानमंत्री जी भी उनके सम्मान में खड़े होंगे, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति से बात कर रहे तब कोई भी आपको टोकने वाला नहीं। अच्छा अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पिताजी बड़े बड़े हैं लेकिन उनसे भी बड़ा प्रधान है, उनसे भी बड़े जिलाधिकारी हैं, उनसे भी बड़े कमिश्नर हैं, उनसे भी बड़े मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी बड़े प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी बढ़कर राष्ट्रपति हैं, लेकिन मुझे आप बताओ मेरी बहनों, क्या भगवान इन सबसे छोटा है? जरा बताओ, इन सबसे क्या भगवान छोटा है? नहीं, भगवान इन सबसे बड़ा है, और भगवान से बड़ा धरती पर कोई नहीं। तो जब भगवान के पास आप बैठते हो तो सब जानते हैं बड़ों के पास बैठने वालों को डिस्टर्ब नहीं करते, इसीलिए जब आप पूजा में बैठते हो भगवान में बैठते हो तो घर का कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अपराधी भी अगर भगवान के ध्यान में बैठा हो तो पुलिस खड़ी रहेगी कि ये अपनी पूजा पूरी कर ले तब गिरफ्तार करे। भगवान की सत्ता का जरा विचार करो, तो हम भगवान के पास बैठ करके जब भगवान से वार्तालाप करते तब जो आनंद होता है वो अनिर्वचनीय होता है। तो आनंद स्वामी जी लिखते हुए भगवान में बैठा, आधा घंटे तक लोग खड़े रहे पर मुझे डिस्टर्ब, मुझे किसी ने टोका नहीं, अंधेरा हो रहा लेकिन तब जो मेरा मार्गदर्शक था उसने कुछ आवाज देकर के मुझे टोका, और चूंकि वो एक मर्यादा थी और आपत्काल हो गया था, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इसलिए उन्होंने मुझे ओम 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 बोल करके चाहा कि इनकी आंखें खुले और हम आगे के लिए फिर प्रस्थान करें। तो जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी थोड़ी सी ये भूल भी मुझसे मुझे लगा हुई कि इतनी देर तक इन लोगों ने प्रतीक्षा की, और उन्होंने कहा कि पर मुझे हो क्या गया, इतने वर्ष का जीवन मेरा हो गया और इतनी बार मैंने भगवान की उपासना की, मैं संध्या में बैठा, मैं ध्यान में बैठा, लेकिन इतना तो आनंद कभी नहीं आया, ऐसी सुखद अनुभूति कभी नहीं जैसी आज हुई। मैं कितने स्थानों पर गया,
हर जगह जाकर के संध्या की, उपासना की, अपने घर में भी की, अरे समाज मंदिरों में भी की, लेकिन जो इस स्थान पर बैठकर के मुझे सुखद अनुभूति हुई, जो मैं गहरे में चला गया, उतने गहरे में मैं आज से पहले कभी नहीं गया, इसका कारण क्या है? उन्होंने पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि जिस पत्थर पर आप बैठकर के उपासना कर रहे थे, इस पत्थर पर अब से करीब 125 साल पहले, 125 साल पहले महर्षि दयानंद ने बैठकर के उपासना की थी। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि स्थान का और वस्तु का महत्व तो तब कितना विशेष हो जाता है जब उस स्थान को, उस वस्तु को कोई विशेष व्यक्ति स्पर्श करता है, उसका उपयोग करता है। इसलिए ध्यान रहे, हम उस सनातन परंपरा से जहां हम अपने घर में विद्वानों के लिए जब बुलाते हैं तो हम उनको अपने घर में एक विशेष स्थान पर बिठाते हैं, हम उनको उन बर्तनों में खिलाते हैं जिनमें हमने नहीं खाया, उन बिस्तरों पर सुलाते हैं जिस पर हमने नहीं सोया, और उनके लिए हमारे घर में एक अलग से ही स्थान होता है जिसे हम अतिथि शाला कहते हैं। जब हम लोग घर बनाते थे पहले, तो घर बनाने से पहले हम लोग घर का नक्शा बनाते थे, और घर का नक्शा बनाते हुए हम अपनी जो भी आवश्यकताएं होती थी उन पर विचार करते थे, क्या बनना चाहिए, तो जगह कितनी है जी, कि जगह ये इतनी जगह है, तो इतनी जगह में क्या क्या बनाना है। तो सबसे पहले फिर विचार होता था कि एक तो हमें अपने घर में स्त्रियों के लिए एक अच्छे से रहने के लिए कक्ष बनाना है, जहां पर हमारे घर की स्त्रियां सुरक्षित है, क्योंकि स्त्रियां हमारी घर की आन होती है, वान होती है, शान होती है, वो हमारी अस्मिता होती है, उनकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम फिर और क्या बने, फिर हम सोचते थे हमारे घर में पाकशाला बहुत अच्छे होना चाहिए, ईशान कोण में हो, जहां पर प्रकाश भी आए, जहां पर हवा भी आए, ऐसा स्थान पाकशाला को होना चाहिए, एक रसोई किचन होना चाहिए, किचन बहुत छोटी नहीं होना चाहिए, किचन बड़ी होना चाहिए जिसमें खूब हवादार हो, अच्छे हो। फिर क्या बनाना चाहिए, तो कहा कि एक यज्ञशाला बनानी है। तीसरे नंबर पर दिमाग में आता था पूजा उपासना स्थल होना चाहिए हमारे घर में। अभी आजकल अपने घरों में मंदिर बनाते हैं छोटा सा, लेकिन पहले हम लोग एक यज्ञ स्थल बनाते थे, छोटी सी यज्ञशाला बनाते, उस यज्ञशाला में बैठ करके हम देव पूजा करते थे, क्योंकि देवों की पूजा यज्ञ अग्निहोत्र से ही होती, ये विषय हम आगे लेंगे। तो केवल 10x10 की ही सही, पर हम एक यज्ञशाला को स्थान अपने घर में देते थे, और फिर हम बनाते थे अतिथिशाला, अतिथियों के लिए भी एक कक्ष होना चाहिए जहां पर हमारे अतिथि आकर के ठहरे। फिर पुरुषों के लिए कक्ष बनता था, यहां पुरुष लोग ठहरे, और उसके पश्चात हम फिर अपने घर में और कुछ आवश्यक सामान को रखने के लिए कक्ष बनाते थे, तो वहीं पर हम लोग गौशाला को भी एक स्थान देते थे, हमारे घर में गाय भी हो तो उस गाय को भी हम एक स्थान बनाते थे, ये भूसा रखने का होगा, ये कक्ष गाय को सुरक्षित रखने के लिए होगा, और इस तरह से हमारा ये कई द्वार वाला घर बनता था, जो हमारे शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों प्रकार की उन्नति का केंद्र होता था। अब परिस्थितियां बदली और दिल्ली और मुंबई की बात करूं तो बहुत मुश्किल हो गया है, अब ये सब नहीं होता, अब तो केवल एक गाना जो बंबई वाला है ना, वो कभी मैंने सुना, हम तुम दोनों रहेंगे सदा घुंघरू बजेंगे, तो भाई पति पत्नी
दो ही अपने आप को मान के चलते कि यही मेरा परिवार है, और वो बस टू रूम सेट बना लेते हैं, सब कुछ सेट करते हैं, पर खुद को सेट नहीं कर पाते, खुद अपसेट रहते हैं, क्योंकि जिस व्यवस्था से घर बनना था वो व्यवस्था तो बनाई, घर में माता पिता को स्थान नहीं, माता पिता है तो उनके लिए जो घर था ना जिसमें वो रहे थे, जिसमें जन्मे पले बड़े, थोड़ा सा बस विवाह हुआ, सेपरेट हो, अलग घर ले, और अपने घर में क्यों ले लिया, क्योंकि वो माता पिता है ना, वो डिस्टर्ब करते, तो कटाकी करते, तो बहू को ये पसंद नहीं, बेटे को भी फिर पसंद नहीं, बहू का और बेटे का मन करता है हम तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं चाहे सुबह को 8 बजे उठूं, मैं चाहे रात को 12 बजे सो, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे वो खाऊं, मैं चाहे यहां घूमूं, मैं चाहे वहां घूमूं, मेरी मर्जी, तो अपनी मर्जी के मालिक होकर के दोनों रहते हैं। अब माता पिता तो टोकेंगे, क्योंकि वो गलत देखेंगे तो टोकेंगे, क्योंकि माता पिता हमारे माता पिता ही नहीं होते, वो हमारे गुरु भी होते, वो हमारे मार्गदर्शक भी होते, वो हमारे संरक्षक भी होते, और उनके पास बेशक आपसे कम ज्ञान हो लेकिन उनके पास अनुभवों की पूंजी होती है, उनके पास अनुभवों का खजाना होता है। वो मूर्ख संतान है जो अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने अनुभव रूपी माता पिता को अपने से दूर कर देते, ध्यान रखना वो मूर्ख लोग, उनको जीवन में बहुत हानि होती, घर को घर नहीं बनता, वो तो अपने आप में एक वैश्यालय हो जाता है, मैं उसको वैश्यालय नहीं कहूं, क्योंकि केवल वहां पर भोग और विलास के लिए ही उनका वो घर होता है, वरना शैया ये ग्रस्त भोग विलास का आश्रम थोड़ा ही है। अगर आप चिंतन करें और विचार करें तो आप पाएंगे कि ग्रस्त आश्रम तो सच में आश्रम और बहुत जिम्मेदारियों वाला आश्रम है। एक संस्था खड़ी होती है, विवाह विवाह अच्छे प्रकार से निर्वाहन करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना, और सबके प्रति हमारी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना है, इसके लिए है विवाह, और इस संस्था के रूल रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करना है उन दोनों सदस्यों को, क्योंकि विवाह रूपी संस्था के दो सदस्य होते हैं, पति और पत्नी, तो इन दोनों को कैसे गृहस्थ में रहना है ये समझना, ये जानना, ये विचारना। जनाएगा कौन? आचार्य। तो ये जो विवाह संस्कार होता है, मैं विवाह संस्कार करता हूं तो मैं उसको प्रशिक्षण कहता हूं, अभी करके आ रहा हूं कहीं। अभी क्या होता है कि भाई आग जलाई, टीवी में देखा और गांठ बांधी और घूम ले, वो सोचते विवाह हो गए, ये पागल पर। ध्यान रखना शादियां हैं, ये मैरिजें हैं, पर विवाह नहीं। विवाह तो अपने आप एक प्रशिक्षण, ये तो मन का विषय है, एक दूसरे से हम मिल लिए, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, गुण कर्म स्वभाव मिले तो हम मिल, फिर इन तमाम चीजों की आवश्यकता क्या है। कभी आपने हिरण और हिरनी का भी, या कभी चिड़ा चिड़िया का, कबूतर कबूतरी का भी ऐसे विवाह होते देखा है? हमारे से और आपसे ज्यादा दृढ़ होता है इनका, होता है कि नहीं? कबूतर कबूतरी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते, कभी डिवोर्स नहीं होता ऐसे। मैंने हिरण और हिरनी में कभी डिवोर्स देखा ही नहीं, और मजेदार बात यह है कि शादी कब हो गई ये भी पता नहीं चला, दोनों ने आई लव यू कब बोला, कब एक दूसरे के करीब आए, अपन को पता ही नहीं चला, लेकिन साहब प्रेम इतना दृढ़ हो गया कि हिरण और हिरनी की बात आपको बताओ, उन्होंने मंत्र नहीं बोला समन जंतु विश्व देवा समापो हृदयानि नौ सम मात्र ईश्वर समुधाता समदृष्टि ददातु नौ, उन्होंने मंत्र नहीं बोला था, उन्होंने 7 वचन नहीं दिए थे, उन्होंने अग्नि के 7 फेरे भी नहीं लिए थे, और उनकी लगन भी नहीं लिखी पंडित जी, मुहूर्त भी नहीं देखा उन्होंने शादी का, बैंड बाजा भी नहीं था उनके साथ, था क्या? लेकिन फिर भी विवाह हो गया, और विवाह भी उनका कितना दृढ़, और प्रेम उनका कितना दृढ़। हम लोग तो केवल ये मंत्र बोल करके कहते हैं समंजन तो विश्व देवा समापुर ध्यान ही लो,
क्या बोलते हैं पता है? हम बोलते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चुना है। हम दोनों के हृदय, हम दोनों के दिल आपस में वैसे ही मिले रहेंगे, जैसे दो नदियों का पानी एक पात्र में डाल दो तो उसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। ऐसे ही हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। वचन दे रहे हैं और वायदा कर रहे हैं सबके सामने। हे विद्वानों, सज्जनों, सुनो, बतलाते हैं हम अपनी खुशी से ग्रस्त आश्रम अपनाते हैं और वचन आपको दे रहे हैं, हमारे सामने वायदा कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे को प्राणों की तरह प्यार करेंगे। क्या करेंगे? प्राणों की तरह एक दूसरे को प्यार करेंगे। और जैसे जगत पिता इस संसार को रच करके धारण करता है, कभी त्यागता नहीं, बोलो कभी त्यागता है? ईश्वर ने त्यागा किसी को? वैसे ही हम एक दूसरे को कभी त्यागेंगे नहीं, धारण करेंगे और श्रोता वक्ता की तरह रहेंगे। ये चार बातें इस मंत्र में दोनों कहते हैं। फेरों से पहले आकर के जब विवाह मंडप में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत देश के अंदर 2 करोड़ मुकदमे तलाक के लंबित हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा तलाक के केस मेरे भारत देश के अंदर, क्योंकि भारत की आबादी ज्यादा है इसलिए भी कह सकते हैं आप लोग। मैं निवेदन ये करने लगा हूं कि फिर ये सारे वचन, ये सारी बातें क्यों जी, ये बैंड बाजा, ये शादी, ये नाच गाना, ये कितना सारा खर्चा, इस सबके बावजूद भी आपकी तलाक क्यों हुई? साल भर में हो गई, किसी की 2 साल में हो गई, और विदेशों में तो भाई पता ही, कितनी बार लोग बदलते हैं पति पत्नी, समझ नहीं आता कि वो जीते कैसे। लेकिन ये दुर्भाग्य मेरे देश का, अब ये बीमारी हमारे देश में भी आ गई। आगे हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ते चले जा, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा, तब मैं निवेदन करूंगा मैंने हिरण और हिरणी को कभी भी अलग होते नहीं देखा। एक बार की बात है कि बीरबल और अकबर दोनों जंगल में गए घूमने के लिए, तो अंदर तक चले जा रहे हैं, अचानक दोनों रुके। क्यों? एक स्थान पर एक हिरण और हिरनी मरे पड़े। अब अकबर बहुत ध्यान से देखने लगे और ध्यान से देखने के बाद वो बीरबल से कहने लगे, नहीं घाव तलवार के नहीं लगे हैं वाण। सुनिए ध्यान से मेरी बात, नहीं घाव तलवार के नहीं लगे हैं वाण, कहो बीरबल किस तरह निकले इनके प्राण। हे बीरबल, न तो तलवार का घाव न बाण लगे हैं इनको, कोई घाव दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये मरे कैसे? तो बीरबल बड़े समझदार थे भाई, ऐसे नवरत्न थोड़ी विशेष ही उनका रत्न बन सकता था राजा। बीरबल ने भी बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था, बात बिल्कुल ठीक थी, न तलवार किसी ने मारी न वाण किसी ने चलाया है, ये मरे कैसे? और दोनों ही मरे पड़े। फिर ध्यान से देखा तो जहां वो मरे पड़े थे उसके पास में ही एक गड्ढा था और उस गड्ढे में थोड़ा सा पानी था, और पानी बहुत ज्यादा नहीं था, 2-3 लीटर पानी रहा होगा। अब एक हिरण को कम से कम एक बार में पीने के लिए 5-6 लीटर तो पानी चाहिए, 3 तो चाहिए, और भाई वो उतना ही था 2-3 लीटर पानी। अब ध्यान से वो सोच रहे हैं बैठे, क्या कारण होगा दिमाग में आ गए। तो उन्होंने ध्यान जब लगाया तो उनको समझ आ गया, ये दोनों पति पत्नी हिरण और हिरण, इन दोनों में प्रेम बड़ा घनेरा था। और होता है, हम लोग तो केवल दिखावा करते हैं भाई साहब, हमारे यहां तो पति और पत्नी होते जरूर है, लेकिन वो पति पत्नी कितने समर्पित होते हैं ये तो आप भी लोग जानते हो। आज की नौजवान पीढ़ी को तो मैं क्या करूं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि पति और पत्नी जब जाते हैं कहीं पार्टी वार्टी में
तो प्रायः पुरुषों का ये स्वभाव भी होता है कि वो विवाहित होते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी निगाहें, कहीं ना कहीं अपनी जो आंखें हैं वो दूसरी तरफ भी ले जाते हैं। ऐसे एक देवता जी थे, एक युवक, उनकी भी शादी हो गई थी, लगभग एक दो साल हो गया, और एक पार्टी में उनकी देवी जी जो थी वो तो कहीं अपनी सहेलियों के साथ दूसरी जगह खाने पीने लग गए, और ये महाराज कुछ खाते पीते हुए एक किसी दूसरी सुंदर युवती को देखने लग गए। और पत्नियों का ध्यान पति में विशेष होता है, वो इस मामले में योगी नहीं होती, जैसे एक योगी होता है ना वो कुछ भी करते उसका ध्यान परमात्मा में रहता है, ठीक है ना, एक साधक का ध्यान ईश्वर में रहता है, उसी तरह से स्त्रियां चाहे कोई भी काम करें उनका ध्यान पति में रहता है, और खासकर ऐसी जगह पर जरूर रहता है। तो उन्होंने देख लिया कि पति किसी और को देख रहा है। अब वो धीरे 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 आई इनके पास में प्लेट लेके और पांव के ऊपर पांव मारा और फिर कहा चलो घर आईडेक्स लगाऊंगी। तो बेचारे सब पका हुए कहने लगा पर आईडेक्स तो तब लगाया जाता है जब चोट लगती है। बोले लग जाएगी, चोट भी लगेगी और आईडेक्स भी लगेगा। तो मैं निवेदन करूं पशु पक्षियों में ऐसा नहीं होता, उन्हें किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, उन्हें किसी ने समझाया नहीं, केवल एक शिक्षक परमात्मा ने उनको स्वाभाविक ज्ञान दे दिया कि विवाह का मतलब होता है समर्पित रहना, जैसा सीताराम के साथ रही, जैसे सत्यवान सावित्री के साथ रहे। अरे इसी में ही प्रसन्नता है, इसी में ही आनंद है, पर दारिश्य मात्रवत, पर द्रव्येषु लोष्टवत, ये हमारी सनातन संस्कृति है और यही जीवन, जीवन इसी जीवन में खुशी होगी, इसी जीवन में शांति होगी, आनंद होगा। हिरण और हिरनी दोनों मरे पड़ गए, ध्यान चला गया और बीरबल खोज रहे, पता चला इन दोनों में अटूट प्रेम था, ये दोनों बहुत दिनों से प्यासे थे और प्यासे होने के कारण ये यहां पानी को ढूंढते ढूंढते आ गए। पर जब ये पानी को ढूंढते ढूंढते यहां आ गए तो हुआ क्या कि पत्नी पति से बोली आप पी लो पानी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पति हो और तुम अगर स्वस्थ रहोगे, तुम जीते रहोगे तो सच में यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। एक स्त्री, एक भारतीय नारी हमेशा ये चाहती है कि मेरा जो प्राणांत हो वो मेरे पति के सामने हो और उनकी बाहों में मेरा दम निकले। हालांकि हम लोगों ने गीत बना लिए, फिल्म के गीत भी कई बार बड़े अच्छे भजन होते, ये आंखें उसी रात रोज हो जाए अंधी, आपने सुना होगा ना, जो देखे सपना तेरे सिवाय किसी और का, पता नहीं ऐसे ही कुछ है। मतलब ये कि वो भावना से भरा हुआ, लेकिन ये गीत नहीं गा रही हिरण और हिरनी, लेकिन इनके अंदर वो भाव। अब वो हिरनी कह रही है पतिदेव तुम पानी पी लो क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम जीते रहो। तो हिरण बोला वाह मैं तेरे बिना रह सकता हूं, अरे एक बार को स्त्री वैधव्य जीवन को जी सकती है उसके लिए कई अवसर होते हैं, लेकिन पुरुष के सामने बहुत समस्याएं होती हैं, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, मैं चाहूंगा कि तू पानी पी और मैं तेरे सामने मरना चाहता हूं। उन्होंने कही तो नहीं हो सकता तुम पानी पी, बोले नहीं आप पी, नहीं तू पी, नहीं तू पी, और पानी एक ने भी नहीं पिया, दोनों मर गए। तब बीरबल ने कहा कि सवाल करो अकबर से, अकबर ने सवाल किया, फिर सवाल किया कि नहीं घाव तलवार के नहीं लगे है वाण, कहो बीरबल किस तरह निकले इनके प्राण। तो बीरबल ने उत्तर दिया सुनो राजन कि जल थोड़ा नेहा घना, नेहा कहते हैं प्रेम, जल थोड़ा नेहा घना लगे प्रीत के वाण, और तू पी कहते ही निकले इनके प्राण। मैं निवेदन करना चाहता हूं ये प्रेम, ये समर्पण, और इस समर्पण के लिए हमें क्या करना हो,
हमें एक दूसरे को वरना होगा, वरण करना होगा। हम कर पाते, हम कहां कर पाते वरण? हम तो केवल और केवल समझौता करते। तो विवाह अपने आप में एक प्रशिक्षण है, उस संस्कार हम कराते और उसमें हम ये सब होम नाना प्रकार का कराते हैं। सप्तपति तक हम ले जाते हैं संस्कार को। वहां कन्यादान भी होता है, वहां मधुपर्क भी होता है, वहां विस्तर दिया जाता है, गौदान होता है, अनेक प्रकार के होम होते हैं। तो ये सारा का सारा करने के पश्चात फेरे होते हैं। एक एक चीज इसके अंदर अपने आप का प्रशिक्षण, वो बताना है कि तुमको गृहस्थ में कैसे रहना है। जनरेशन गैप होता जा रहा। आज के पति पत्नी जो युवक युवती हैं, वो अपने माता पिता को साथ नहीं रख रहे। मैं मुंबई गया, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। वो माता पिता दोनों घर में उनके थे। मैंने कहा आपको कोई संतान नहीं? बोले नहीं नहीं बेटा है, बहू है। हमने कहा और? बोले हमारा एक नाती भी है। फिर मैंने कहा वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? बोले नहीं नहीं वो उनको थोड़ी दिक्कत है, तो वो थोड़ा सा एक परलांग दूर रहते, कभी कभी आ जाते हैं और हम लोग मिल लेते हैं। पता चला कि दोनों बूढ़ा और बुढ़िया बेचारी अपने बच्चे से, अपने पोते से दूर कैसे 24 घंटे उनके बीतते हुए सोचो तो जरा, कहां है वो घर? वो पति पत्नी डिस्टर्ब समझते हैं माता पिता को और नहीं चाहते कि वो उनके साथ। आखिर कारण क्या है, ये वजह क्या है? तो मैंने कई बार विचार किया कि दोनों ही की कमियां हैं। माफ करना, आपकी भी कमी है और आपकी भी कमी, दोनों की कमी। माता पिता कभी भी बच्चों का निर्माण जैसे होता है नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं होता। माता पिता का ध्यान केवल और केवल किस बात पर रहता है? खासतौर से पिता का ध्यान होता है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमा लो। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि पति पत्नी दोनों ही जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं। मेरा अपना मानना है कि इस देश में बेरोजगारी बहुत है और गरीबी बढ़ती जाती है, अमीरी भी बढ़ती जाती है, ये गैप भी बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। इसके बहुत सारे निदान हो सकते हैं, पर एक निदान मेरे मन में याद आया कि हम लोग पहले ऐसा करते थे कि बेटियां शिक्षित होती थी और उनका जब विवाह होता था तो उनको हाउस वाइफ बन करके रहना होता था, क्योंकि घर में अपने बच्चों को बनाना, परिवार को लेकर के चलना, ये भी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों का मूल आधार है। इतनी जिम्मेदारियां होती थी, अतिथि आ रहे हैं, घर के सदस्य हैं, यज्ञ आदि करना है, कितने सारे काम होते थे। तो वो सब हाउस वाइफ का मतलब था कि घर में रहकर के घर की नौकरी, और पति कमाता था उससे घर के अंदर लगभग 10 सदस्य होते थे, 8 सदस्य होते थे, उन सब की पूर्ति हो जाती और सब प्रसन्न रहते। अब ये दोनों कमाते हैं, माता पिता को अपने से दूर कर दिया, एक बच्चा हुआ तो हुआ, नहीं तो वो भी नहीं कई सालों तक, वरना तो एक ही बेबी है। अब मुझे बताओ, एक ही बच्चा होगा तो ये रिश्ते तो सब खत्म ही होंगे। न चाचा होगा, न ताऊ होगा, न चाची होगी, न ताई होगी, न मौसी होगी, न मामा होगा, मतलब मामा भी खत्म, चाचा भी खत्म, ताऊ भी खत्म, ताई भी खत्म, मौसी भी खत्म, मौसा भी खत्म, बुआ भी खत्म, फूफा भी खत्म, ये सारे रिश्ते खत्म। और जीजा भी, क्यों जीजा जी, जीजा भी खत्म। अच्छा बताओ, जब जब जो है बहन होगी नहीं तो जीजा कहां से आएगा? सोचो तो, बहन होगी तभी तो जीजा आएगा। अच्छा बताओ, आचार्य जी की बहन नहीं होती तो आप आते क्या? सोचने वाली बात, मेरी बात आप लोग हो सकते हो हल्के में ले लो, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रिश्ते खत्म करें। इसके विपरीत मुसलमानों में रिश्ते बन रहे हैं, क्योंकि मुसलमान कम से कम 2 बेटे 2 बेटियां तो पैदा कर ही रहा है। वो कितना ही अगड़ा हो या पिछड़ा हो, पिछड़ा है वो तो 8-8, 10-10 और 12-12 कर रहा है, और क्या।
लेकिन अगले वाले भी दो चार छह तो कर ही रहे हैं, चार चार तो आपको जरूर मिल जाएंगे। और मैं कहूंगा अच्छी बात, रिश्ते तो है ना। पर हम लोग पता नहीं कौन सी ऐसी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। तब मैंने कहा कि हमने वैश्यालय बनाए हैं, हमने घर नहीं बनाए, हमने केवल भोग विलास के साधन बना दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस घर की शैया केवल विषय भोग के लिए हो, पहले हमारे यहां होती थी खटिया, आपके यहां पर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे यहां तो खटिया कहते थे, और खटिया खड़ी हो जाती थी, मतलब खटिया दिल में खड़ी हो जाती थी। खटिया खड़ी नहीं होती थी तो बाप खटिया खड़ी कर देता, हमारा जो माँ बाप होते थे वो हमारी खटिया खड़ी कर देते, और उसी के चलते ये कहावत बनी खटिया खड़ी हो गई। अब खटिया खड़ी होने का मतलब क्या था भाई, सारे लोग चारपाई पर सोते थे, ये बैठने होते थे जैसा आप होते हैं, है ना, ये बेड वेड जो आप 24 आवर बिछे हुए हैं, जब मर जाओ तब सो जाओ, क्यों पहले नहीं होते थे, पहले दिन होता था काम करने के लिए और रात होती थी आराम करने के लिए, और रात को भी लोग कितना आराम करते थे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे 6 घंटे, उसके बाद शुरू हो जाते थे ब्रह्म वेला में, मुर्गा बोलने से पहले उठ जाते थे, ध्यान रखना, और रात को सारे काम करने के बाद 10-10:30 बजे सोते थे, काम बहुत होता था। और फिर चारपाई को जो खड़ी होती थी उसको बिछाया जाता था, और एक चादर गर्मी के अनुसार ठंड के अनुसार अलग अलग तरह से अपने बिछा दिया जाता था, और फिर चारपाई में गए, गहरी नींद सो गए, सवेरे को उठे, और उठते ही उधर माँ उठी तो चक्की चलाने लगे, थोड़ा सा आटा वाटा पीसने लगे, पता चला बहुरानी उठी तो झाड़ू लगाने लगे, पिताजी उठे तो वो पता चले उठ करके भाई भजन गाने लगे, सारे लोग भजन गाते थे पहले घर में, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो जागत है सोई पावत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, चुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, आप भी बोलो, चुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से यह प्रीत करण की रीत नहीं, यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तो उठ जाग मुसाफिर और भय अब रैन जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो कल करना हिब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है, तो उठ जाग मुसाफिर नादान भुगत अपनी करनी, ए पापी पाप में चैन कहाँ, अपनी करनी ए पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की कठरी शीश धरी, जब पाप की कठरी शीश धरी,
शीश पकड़ क्यों रोबत है, तब शीश तो उठ जाग मुसाफिर, अब रैन जो सोबत है। तो अम्मा गीत गा रही है, पिताजी गीत गा रहे हैं, और झाड़ू भी लगाई जा रही है, चक्की भी चल रही है, घर में सब काम कर रहे हैं, सब काम कर। अब कोई अगर महाशय जी आराम कर रहे हैं ना, तो पिताजी आते थे और कान पकड़ करके और पिताजी उठा देते थे। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न। और फिर जागना पड़ता था, इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि पिताजी को आंखें दिखा सके। आज दिखा रहे, आज दिखा के नौजवान आंखें दिखा रहे हैं। पहले हम लोगों की इतनी हिम्मत आप लोगों की भी नहीं हुई कि पिताजी के सामने जाकर के उनको आंखें दिखाएं। उठ जाते थे और चारपाई पर बिस्तर लपेट दिया जाता था और खटिया खड़ी कर दी जाती, इसे कहते थे खटिया खड़ी हो गई। और भाई खटिया जब खड़ी हो गई तो फिर क्या होता था, फिर काम शुरू हो जाता। अभी फिर अपने बहुत सारे घर के काम सारे लोग करते थे, तो इस तरह सब मिलकर के घर में रहते और बहुत अच्छे से एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। अभी कोरोना काल आए तो मुझे बताओ उन परिवारों में कहीं कोई संभालने वाला था, कहीं कहीं तो यह हुआ जहां पति पत्नी दो ही थे ना, वो पति पत्नी को जब हो गया ना तो पति पत्नी को छोड़ के चला गया और पत्नी पति को छोड़ के चली गई, कोई किसी की सेवा करने वाला नहीं था। और हमारे यहां जाकर के आप देखें गांव देहात में छोटे छोटे स्थानों पर वहां संयुक्त परिवार, अगर किसी को कोरोना हो गया ना तो उन्होंने हॉस्पिटल में नहीं भेजा, बोले हम अपने यही ठीक कर लेंगे। और आप देखें अपने घर में खूब लोगों ने कहा छुओ मत, हो जाएगा छूने से, खूब तसल्ली से मालिश कर रहे हैं, उनको खूब सेवा कर रहे हैं, खूब टहल कर रहे हैं, घर में ठीक कर लिया और वो ठीक हो गए। जो हॉस्पिटल चले गए वो चले गए और जो घर में रह गए वो रह गए। सच बात तो ये है, क्योंकि वहां देखने वाला कोई वो अपने दिल की बात किससे कहे, कहीं थोड़ी सी भी दिक्कत है कोई पूछने वाला ही नहीं कि कहां किसको पानी की जरूरत पड़ रही है, किसी कहीं दर्द हो रहा है। तो घर में तो बहुत सारी चीजें होती, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि घर एक मंदिर होता है और उस मंदिर में माता पिता पति पत्नी बच्चे सब मिलकर के जब प्रेम से रहते तब वो घर घर लगता है। अब तो मुझे घर दिखता ही नहीं, अब तो मुझे वो होटल दिखाई देते हैं, जाकर के बढ़िया बेड बिछे हुए हैं मजे से पति पत्नी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अगर बेरोजगारी को कम करना है तो फिर एक अच्छी बात यह भी हो सकती है कि हम अपनी बेटी को शिक्षित करें, खूब संस्कारित करें, पढ़ाएं अच्छे से। अगर तो जॉब में लग जाए तो क्या जरूरी है कि उसका पति भी जॉब वाला हो, वो कोई और भी अपने किसी संस्था को संभालने वाला हो सकता है, वो हो सकता है भाई उस सेक्टर में ना सही, पब्लिक में ना सही तो प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है वो अपना रोजगार कोई दूसरा कर रहा हो। मतलब जरूरी नहीं है कि उसका अगर 25 लाख का पैकेज है तो मेरी बेटी का तो उसका 30 का होना चाहिए। ये एक अलग से चलन पता नहीं कौन सा चलाया है, समझ लिया। अब जब तुम दोनों ही जॉब में होगे तो घर को घर कौन बनाए, नौकरी तो बनाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी अगर पैदा होंगे तो उनको दूध कौन पिलाएगा, उनकी परवरिश कौन करेगा, बच्चे का निर्माण होगा कहां से। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, मां तो मां है, मां तो बच्चे को मिली, जननी मिली, कौन मिली, जननी। ध्यान रखना जननी और माता में बड़ा अंतर होता है। जननी उसको कहते हैं जो बच्चे को जन्म देती है और माता उसको कहते हैं जो उसका निर्माण करती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि संसार का प्रत्येक पुरुष जनक नहीं हो सकता और न ही प्रत्येक स्त्री जननी हो सकती है,
लेकिन संसार का प्रत्येक पुरुष पिता हो सकता है, संसार की प्रत्येक स्त्री चाहे वो विवाह करे अथवा ना करे माता हो सकती है, क्योंकि माता होने के लिए विवाह करना आवश्यक, संतान को उत्पन्न करना आवश्यक। माता का अर्थ होता है वो निर्माण कर। कितनी ऐसी माता है जिन्होंने विवाह नहीं कर और वो अपने आश्रम चला रहे। हम ही लगभग 105 बच्चों के पिता है, हमारी देवी जी और हम दोनों मिलकर के बच्चों का निर्माण कर रहे हैं निरंतर, और उन बच्चों से हम पिताजी माताजी कहलवाते। क्यों? क्योंकि हम उनको संस्कार दे, ध्यान रखना एक उत्ती शिक्षा एक उत्ती विद्या। तो शिक्षा तो इन विद्यालयों में इन शिक्षालयों में इन कॉलेजों में स्कूलों में दी जा रही, वो शिक्षा है। आपको शिक्षा दी जा रही, आप अपने बच्चों को शिक्षा भी दिलाते, शिक्षा ही दिलाते। क्या है शिक्षा? उनको कॉमर्स पढ़ाई जाती है, उनको विज्ञान पढ़ाई जाती है, उनको भूगोल पढ़ाया जाता है, उनको गणित पढ़ाई जाती है, उनको लॉ पढ़ाया जाता है। लेकिन सच कहूं तो उनको केवल धन पढ़ाया जाता है, लॉ नहीं पढ़ाई जा रही। क्या पढ़ाया जा रहा है? लॉ तो माध्यम है, धन पढ़ाया जा रहा है, भोग पढ़ाया जा रहा है। उनको विज्ञान नहीं पढ़ाई जा रही, विज्ञान तो केवल माध्यम है, उनको धन पढ़ाया जा रहा है, केवल भोग पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से इंग्लिश हो चाहे दूसरे कितने भी विषय हो, इन सारे विषयों को पढ़ाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल धन, अधिकतम धन पढ़ो। अर्थात इन तमाम प्रकार की शिक्षाओं को लेकर के, डिग्रियों को लेकर के तुम क्या करोगे? एक बढ़िया से इंजीनियर बनो, एक बढ़िया से डॉक्टर बनो, एक बढ़िया से नेता बनो, एक बढ़िया से वकील बनो, बढ़िया से अधिकारी बनो, और क्या करो? घोटाला करो, ऊंचे पद पर बैठ करके लाल सफेद काला करो। ज्यादा से ज्यादा धन आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास धन वैभव होना चाहिए। मुझे बताओ क्या आज के डॉक्टर्स, आज के अध्यापक, आज के वकील, आज के तमाम नेता क्या वैसे ही है जैसे कभी होते थे हमारी अपनी सनातन संस्कृति? क्या आज किसी डॉक्टर के आप अंदर जाकर के चरक देखते हो? क्या धनवंतरी पाते हो? आज का सुश्रुत आप देख पा रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पहले सब नहीं होते थे? पहले होते थे क्या शिक्षक? हमारे यहाँ तो हमारे पिताजी बताते थे कि पहले जो शिक्षक होते थे वो ऐसे ही शिक्षक होते थे, एक पीपल के पेड़ के नीचे विद्यालय खोल ली और विद्यालय खुल गया, पढ़ाने लग गए। पढ़ाने के लिए फीस क्या तय कर गई? कोई फीस नहीं, बच्चों से भी कोई फीस नहीं ली जा रही और अध्यापक को भी कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही। अध्यापक वो बनता था जिसके अंदर इच्छा शक्ति होती थी कि मैं बच्चों का अज्ञान दूर करूंगा, और वो अपना विद्यालय खोल लेता था। अब अध्यापक पढ़ा रहा है पूरे मन से और बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे मन से, पता चला कि दोनों अच्छे से अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अब गुरुजी की फीस कैसे दी जाएगी? बच्चा तो पढ़ लिया, परीक्षा में पास हो गया, तो घर गया और एक कद्दू लिया, एक लौकी लाकर के गुरुजी को दे दी। अनाज हो गया तो गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, बस वो प्रसन्न हो जाते थे। डॉक्टर भी ऐसे होते थे। अभी तक हमारे यहाँ गाँव देहातों में वैद्य जो होते थे, वो वैद्य पता चला गोबर उठा रहे हैं गाय का, और उसी समय कोई आ गया, बैची माता जी को देखो चल के उनकी तबीयत खराब हो गई। बैची ने वैसे ही छोड़ दिया गोबर, हाथ भी न धोए चल पड़े जाकर के उन्हीं के घर में, हाथ धोए, नाड़ी देखी, दवा लिख दी, चले आए, वो ठीक हो गई। भाई जाओ घास फूस की वो सब दवाइयां है वो सब जो है उन्होंने बताया ये ले लो, और वो ठीक हो गए। पता चला ना कोई उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मुझे कुछ दो, ना उन्होंने दी। जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने भेज दिया कुछ घर में कुछ सामान, जाओ वैद्य को दो। तो समाज के साथ वैद्य लोग, अध्यापक लोग ऐसे जुड़े रहते थे कि स्वास्थ्य का और संस्कारों का, शिक्षा का पूरा प्रबंध करते थे। चाहना कुछ नहीं थी, जो मिल गया उससे अपना काम अच्छे से चल गया, और खुद भी को पुरुषार्थ करते थे। कोई गाय पाल रहा है, कोई थोड़ी बड़ी खेती कर रहा है, इस तरह से वो अपना काम करते हुए सब काम करते थे। राजा भी इनका ध्यान रखता। लेकिन धीरे धीरे लोग वेतन भोगी होने लगे और सोचा ये जाने लगा कि इन अध्यापकों का वेतन कम है, अध्यापकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का है ना, इनका वेतन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वेतन बढ़ता चला गया वैसे काम और घटिया होता ही चला गया है। मैं निवेदन करूं तो एक बहुत अच्छा मेरे मन में कई बार आया कि मैं लोगों से कह पाऊं कि भैया दोनों में एक सर्विसमैन होना चाहिए, दोनों में। तो इससे क्या होगा? कल्पना करो भाई, आपका 130 करोड़ लोगों का देश है और 130 में अगर पुरुष पुरुष ले लो तो भाई 65 करोड़ तो पुरुष हो गए, और 65 करोड़
महिलाएं हो गई। अब 65 करोड़ लोग कमाए सरकारी जॉब में लग जाए, मतलब कल्पना करो वो रोजगार पाने के लिए अभी खड़े हो गए, उनके साथ जो उनकी देवी जी जुड़े वो हाउस वाइफ के रूप में जुड़े। अब एक तरफ तो 130 करोड़ नौकरियां देना है, एक तरफ 65 करोड़ देनी है, तो दोनों में आसान 65 है कि नहीं, आधा हो गया कि नहीं। मैं ऐसा कोई नियम नहीं बता रहा, बेटी भी सर्विस कर सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी संस्था उजड़ रही है, विवाह रूपी संस्था बर्बाद हो रही है, इसलिए आवश्यक है कि हमारी एक बेटी को हम शिक्षित और संस्कारित करके हाउस वाइफ बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसको ये संस्कार दे कि बेटा घर में तुम अपने परिवार में जो पति कमा करके आपका लाए उससे ही अपने घर को अच्छे से चलाओ, क्योंकि घर को तुम्हारी जरूरत है, घर में संस्कारों की जरूरत है, बच्चे को एक मां चाहिए, और वो मां तभी होगी जब वो बच्चे के साथ पूरा समय बिताएगी। लेकिन कई बार विपरीत परिस्थितियां होती हैं, कई बार ऐसा आपातकाल होता है तो उसमें बेटी को चाहिए कि वो इतनी शिक्षित और इतनी संस्कारित हो कि अगर पति को कुछ हो जाए अथवा वो उसको छोड़ दे ऐसी परिस्थिति में वो जॉब कर सके, ऐसी परिस्थिति में वो उस काम को कर सके, वो धनार्जन कर सके, उसके अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य भी होना चाहिए, शिक्षा इसलिए भी आवश्यक। लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कार आत्मा की वस्तु है। शिक्षा से भोग जुटाए जाए, शिक्षा से भौतिक संपदा जुटाई जाए, शिक्षा केवल प्रकृति तक आपको लेके जाएगी, लेकिन विद्या आत्मा की वस्तु, जहां हम ये सोचते हैं कि मेरा दुख दूसरे का दुख, मेरा सुख दूसरे का सुख, हम वहां जहां आत्मा की परमात्मा की चर्चा करते हैं, जहां हम सत्य की असत्य की चर्चा करते हैं, जहां हम हिंसा की अहिंसा की चर्चा करते हैं, जहां हम सद संपत्तियों का चिंतन करते हैं, वो संस्कार से ही संभव, वो विद्या से संभव है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ विद्या का होना बहुत आवश्यक है। विद्या कहा ही किसको, अरे विद्या कहा ही इसको जो हमें मोक्ष दिला दे, विमुक्त अर्थात जो हमें मुक्त कर दे, दुखों से छुड़ा दे, वही तो विद्या है। तो हम उस विद्या को कब ग्रहण करेंगे? ऐसी कुछ विद्यावान लोगों की टोली जब हमारे गांव में आई, गुदनी में आई 1915 में, तो एक पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे वो ठहर गए, वहीं से रास्ता जाता था। हमारा जो गांव है वो रोड पर ही 10,000 की आबादी वाला गांव है, बड़ा गांव है, तो हमने उसको अपनी चूंकि जन्म स्थली थी तो हमने कहा यही हम काम करें। बहुत चुनौतियां होती हैं अपने गांव में काम करना, अपने क्षेत्र में काम करना, तो हमने कहा चुनौतियों से बिल्कुल नहीं डरेंगे, यहां काम करें। और हमने फिर एक नए ढंग से काम कैसे किया और कहां से उसकी हमें प्रेरणा मिली, तो वही सब आपको बताने लगा हूं। तो कुछ लोगों ने कहा आप लोग ऐसा करो, गांव के बहुत अच्छे वो महाशय जी हैं, पटवारी भी हैं और गांव के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, बड़े विद्वान हैं, उनके पास आप ठहरो, वहां निश्चित रूप से आपको भोजन छादन सब मिलेगा और आपका सत्संग भी हो जाएगा। उनके पास चबूतरा है, बहुत बड़ा दालान है, तो वो आ गए। महाशय रूप किशोर जी के पास जब वो आ गए तो ये महाशय जी जो थे वो थोड़े विलासी व्यक्ति भी थे, बुद्धिमान तो थे पर विलासी थे, मदिरापान भी करते थे, मांसाहार भी करते थे, कुछ और भी दोष रहे होंगे। लेकिन जब इनका सत्संग हुआ तो उस पर बड़ा असर हुआ, पर वो एक दिन से बात नहीं हुई, उन्होंने कहा एक दिन और ठहरे, उन्होंने कहा ठीक है ठहर। फिर उन्होंने ही किसी ने उनको एक सत्यार्थ प्रकाश दिया और कहा कि महाशय जी ये सत्यार्थ प्रकाश जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का लिखा हुआ ग्रंथ है, ये दुनिया का सबसे बेहतर ग्रंथ, विश्व अगर एक लाइब्रेरी है तो उसके अंदर सबसे उत्तम ग्रंथ अगर कोई हो सकता है मनुष्य के लिए हितकारी तो केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश, इसे आप पढ़िएगा। इसमें 3300 ग्रंथों का निचोड़ है, 330 आश ग्रंथों का, अनाश ग्रंथों का सीधे प्रमाण भी, और सब मत मतांतरों की इसमें चर्चा है। इसमें ईश्वर भक्ति क्या है वो बताया गया, ईश्वर है या नहीं है वो बताया गया, प्रकृति की रचना कैसी हुई बताया गया, भक्ष अभक्ष क्या है वो बताया गया, आचार विचार की शिक्षा दी गई, ईश्वर के स्वनामों की चर्चा की गई, बच्चे का निर्माण कैसे हो ये बताया गया, वृद्धाश्रम कैसे हो ये समझाया गया। इसमें क्या ऐसा है जो नहीं है,
उत्तम संतान किसी को चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, वो कैसे क्या क्या करना होगा ये सारा इसमें लिखा हुआ है। एक राजा को अच्छा राजा बनना है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, इसके अंदर वो समुल्लास है, इसके अंदर इस्लाम क्या है, ईसाई मत क्या है, अन्य मत क्या है, उनका पूरा विवेचन इसमें किया गया। आप खुले मन से पढ़िएगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए न तो टोका गया है, न किसी पर बलात् कोई इल्जाम लगाया गया है, सब मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। आप इसको पढ़ो, मन से पढ़ो। उन्होंने कहा ठीक है मैं इसे पढ़ूंगा, और महाशय रूप किशोर आदि जी ने उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, और जब वो पढ़ना शुरू किया तो उसमें उनको रुचि आने लगी। अब उन्होंने खोला तो बीच में से खुल गया, और वो खोला तो खोला बीच में से, और बीच में से खोला तो समुल्लास चल रहा था, उसमें प्रश्न उठा मूर्ति पूजा कहां से शुरू हुई, यह विषय चल रहा। और वो उसको पढ़ते चले, किसने चले, विजयियों से शुरू हुई, प्रसंग आया ना आपने अगर पढ़ा हो, कहां से चले, आपकी मूर्खता से चले। उनकी देखा देखी हमारे अपने जो मतावलंबी अपने हिंदू आर्य भाई हैं, उन्होंने भाई प्रतिमा पूजन शुरू कर दी। आपको शायद पता हो कि महाभारत युग तक हमारे यहां प्रतिमा पूजन नहीं होता था। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सब यज्ञशालाएं होती थी, ऐसे यज्ञशाला होती, ऐसे जो बनाया जाता ना ये यज्ञशाला बनती, और इस यज्ञशाला में नीचे हवन कुंड होता है, जहां आप लोग आज शिवलिंग देखते हो, जहां शिवलिंग रखा जाता है। ये शिवलिंग क्या है, यज्ञ वही शिवा, यज्ञ ही शिव है, तो यज्ञ में जो अग्नि जलती थी और उसमें जो लपट उठती थी वही शिवलिंग होता था, उसी में जो उत्तम पदार्थ थे वो चलाए जाते थे चार प्रकार, ठीक है ना, सुगंधित पुष्टिवर्धक मिष्ट, ये सब उसमें चलाए जाते थे, जैसे हमने लोगों ने अभी चढ़ा, और ये सब अग्नि में जल करके फलते थे, और पूरा पर्यावरण शुद्ध, सब देवता, देवता किसको कहा, जड़ देवता। तो जड़ देवता जो हमें हमेशा देते बे औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, हवा है, पानी है, आकाश है, पृथ्वी, यही सब देवता, आठ वसु है, ग्यारह रुद्र है, बारह आदित्य है, एक इंद्र है, एक प्रजापति है, ये सूर्य भी देवता है, चंद्रमा भी देवता है, नक्षत्र भी देवता है, सारे के सारे देवता। देवता का मतलब जो दिए चले जाते हैं, जो हमारे लिए ही जी रहे हैं, या भगवान ने जिनको हमारे लिए ही बनाया है, वो सब हमारे लिए दिव्य है, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम उनको दिव्य बने रहने दें, उनको पवित्र बने रहने दें, उनको शुद्ध बने रहने दें। बोलो हवा देवता है, अगर वो अशुद्ध हो गई तो बीमार हम ही तो होंगे, इसलिए हवा को शुद्ध कौन करेगा, हम करेंगे, कैसे करेंगे, वृक्ष लगा के करेंगे और अग्निहोत्र करके करेंगे, पानी को शुद्ध कैसे करेंगे, अन्नों को शुद्ध कैसे करेंगे, अग्निहोत्र करके करेंगे, अग्निहोत्र करने से अन्न शुद्ध होते हैं, जल शुद्ध होता है, वर्षा समय पर होती है, मनचाही भी होती है, इसलिए ये सारी चीजें जब औषधियां वनस्पतियां सब शुद्ध होंगी, अन्न शुद्ध होंगे, तो फिर हम इनको सेवन करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, बलवान होकर के रहे, लंबा आयु हमारा होगा। इसलिए वो ये जो यज्ञशाला है, और आपने अगर सुना हो तो भगवान राम को कहा जाता है कि रामेश्वरम में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, ऐसा आपने सुना है, तो आप लोग उनको जरूर बताइएगा, मैं भी बताता हूं, लेकिन मेरी बात को लोग सुनते भी हैं और नहीं भी सुनते हैं। मैंने कहा रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, हाँ की थी, पर वो शिवलिंग कौन सा था, वो एक शिवालय की स्थापना की थी उन्होंने, शिवालय का मतलब उन्होंने एक यज्ञशाला बनाई थी, और समुद्र के किनारे रामेश्वरम में उन्होंने जो शिवालय बनाया था उसमें बड़ी सी, मतलब समचौरत आठ हाथ, बहुत बड़ी यज्ञशाला उसमें बनाई थी, जिसमें कई दिन तक यज्ञ चला था, और उसमें कालांतर में अभी लगभग 2000 साल ही हुए हैं, इतने ही वर्षों के अंतराल में, हजार से 2000 साल के बीच में यह हुआ क्या, वामपंथी हमारे बीच में पैदा हुआ, इस्लाम और ईसाई मत पैदा हुए, इसी के आसपास वामपंथी पैदा हुए, ये लोग जो थे ना वो वाम मार्गी थे, इनको जो प्यारा लगा वही ये करना शुरू कर दिए, और भोग विलास इसी में इनका मन होता है, प्राय लोगों का होता है, सबको अच्छे लगते भोग विलास, तो यही वाम मार्ग है, ध्यान रखना। अब ये वाम मार्गियों का मार्ग था जिसमें भोग विलास प्राय विशेष था, उन्होंने सोचा ये कहां ये अंडमंड करेंगे, इससे तो अच्छा है इसमें पत्थर धरो,
और पत्थर कह दिया, उसी को शिवलिंग कहने लग गए और फिर उसका प्रचार होने लगा और प्रचार होते होते फिर वो जो सच्चा शिवलिंग था वो तो कहीं दूर चला गया और ये जो नकली शिवलिंग था इसकी पूजा होने लगी। शिवालय तो वैसे ही वैसा, उससे वैसी वैसी चढ़ावे भी वैसे ही चढ़ाए जाते, लोग घंटा बजता था घड़ियाल बजता था तो इसका मतलब होता था भाई आ जाओ शिव पूजा का समय हो गया है। तो सब लोग अपने अपने घरों से निकलते थे, कोई घी ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई मिष्ठान ला रहा है, कोई मेवा ला रहा है, इस तरह से बहुत सारी चीजें लोग लेकर के जाते थे और जाकर के पुजारी जी को देते थे, वो पुरोहित जी उनको साकल में मिला लेते थे और मिला करके सबसे कहते थे चढ़ाओ और सारे लोग उसमें चढ़ाने शुरू हो जाते थे। इस तरह से वो सकल उत्तम पदार्थ घर घर से ला करके एक स्थान पर बनी हुई बढ़िया सी यज्ञशाला में चढ़ाया जाता था, उसको हम कहते थे शिव पूजा, उसको हम कहते थे शिवालय में जाकर के शिव पूजा की है, हमने शिव की भक्ति की। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पर भी हम चिंतन करेंगे आज और खुले मन से हम विचार करें, और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं आप लोग भी शिव भक्त बनिए। शिव कहते हैं कल्याण करने वाले और हम सब अपना कल्याण चाहते हैं और हमारी प्रार्थना भी होना चाहिए। सुबह उठकर हम भगवान से प्रार्थना रोज किया करें, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करते, जिससे भय भ्रांति मिटा करते वो ज्ञान न जाने कब होगा। अच्छे दिन बीते जाते हैं गुरुजन बहुविध समझाते हैं, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। तो कल्याण कब होगा, जब हम कल्याण के मार्ग पर चले। देखो भगवान दो नहीं है, भगवान तीन भी नहीं, चार पांच छह सात आठ नौ दस भी नहीं, भगवान तो एक है। कितने हैं बोलो? और एक ईश्वर के अनेक रूप है, हमारे और आपके नहीं होते। मुझे बताओ हमारे और आपके कितने नाम होते नहीं होते? देखो गुड़ के आधार पर हमारा नाम पड़ जाता, ये तो बिल्कुल गैया है, क्या कहते हो? ये तो बिल्कुल गैया है, मतलब हम क्या गैया है? लेकिन हमारा नाम गाय पड़ जाता है क्योंकि गाय बड़ी भोली वाली बड़ी सीधी होती है ना, तो इसलिए जो व्यक्ति सीधा साधा है भोला भाला है उसको हम गाय की उपमा देते हैं, और वो तो पूरा भेड़िया है, इसका मतलब खेचम खाच, वो खाए जा रहा है उसका पेट ही कभी नहीं, भेड़िया का पेट कभी नहीं भरता, ब्रकोदर, इसलिए भीम को ब्रकोदर भी कहा गया, उसका पट्टे का पेट ही नहीं भरता था। पांडव थे पांच भाई और छठी उनकी माता, तो जब ये भिक्षा आदि लेकर के आते थे खाने के लिए मिल जाता था तो इसके दो भाग होते थे, एक भाग पूरा जो आधा होता था 50% वो टोटल भीम को दिया जाता था, ये तेरा है, और बाकी में ये फिर पांच हिस्से नहीं होते थे, फिर भी छह हिस्से होते थे। भीम कहता था इसमें भी मेरा एक और करो, तो उसमें भी जैसे पाकिस्तान बना ना, तो भाई बनाता जिंदा बोला कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते मुसलमान, हमें अलग मुल्क चाहिए, तो मुल्क तो ले लिया पट्टे ने बढ़िया, लेकिन कहा हम यहां भी रहेंगे। अच्छा बोलो रहना चाहिए था क्या भाई? वहां वाले यहां आ जाते जो हिंदू थे और यहां वाले वहां चले जाते, टेंशन खत्म हो जाता, लेकिन इन वकीलों ने इस देश का बुरा हाल कर दिया। ये महात्मा गांधी भी वकील थे सर, ये सारे के सारे वकील थे, एक समझौता हुआ था, और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो कि भारत तो 1945 में ही आजाद हो गया था, और आपको शायद पता हो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस, जापान में इन्होंने आजाद हिंद सेना बना करके अंग्रेजों से ऐसा लोहा लिया था कि खुद को प्राइम मिनिस्टर भारत का घोषित कर दिया था, और लगभग 17 देशों ने भारत को मान्यता दे दी थी,
और इनको प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा ने कैसा पतन किया कि इन्होंने जब अंग्रेजों ने देखा कि ये तो सुभाष चंद्र बोस तो हो गया, अब हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, ये लोग बड़े क्लेवर थे, बड़े चालाक थे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने तुरंत समझौता कर लिया और अपनी सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। आजाद नहीं किया हमको, बल्कि सत्ता का हस्तांतरण किया 99 ईयर के लिए, मतलब एक जैसे 99 साल के लिए पट्टा दिया जाता है वैसे दे दिया, खुद साम्राज्य बनी रही वहां की महारानी विक्टोरिया। इसीलिए भारत में आने के लिए उनको कभी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, वो जब चाहे तब अपने गांव में आए, भारत उनका गांव है, आप समझ रहे हो ना। तो वो मूल तो मालिक वही रही, और सुभाष चंद्र बोस जी यही नहीं चाहते थे, इसकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे। तो मैं निवेदन करने लगा हूं, हम स्वभाव से भेड़िए हो जाते और हम शेर भी हो जाते। एक शब्द हम लोग लगाते हैं अपने नाम के साथ, क्या लगाते हैं, सिंह, क्या लगाते हैं बोलो, सिंह। हमारे सुरेंद्र जी भी आ गए, ये सुरेंद्र आर्य लगाते हैं, है ना, पर सिंह भी हो सकते हैं। अच्छा एक होता है सिंहासन, क्या होता है बहनों, सिंहासन। अच्छा सिंहासन का मतलब क्या होता है, सिंह आसन मतलब शेर का आसन। अच्छा शेर जहां बैठ जाए, बोलो जहां बैठ जाए वही उसका आसन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो जिस आसन पर शेर बैठता है वही तो सिंहासन होता है। अरे तुम जहां बैठो वही सिंहासन हो जाए, तो तुम्हें शेर बनने की जरूरत है। भारत में शेर होते थे पहले, क्या होते थे, गुरु नानक शेर थे, गुरु गोविंद सिंह शेर थे, तेग बहादुर जी शेर थे, भाई मतीदास शेर थे, बंदा बैरागी शेर थे, वो लोग कौन थे, सब शेर थे। राम भी कौन थे, शेर थे, कृष्ण भी कौन थे। लेकिन ये गड़बड़ हो गई, ये लोग अपने नाम के साथ कभी सिंह नहीं लगाते थे, क्योंकि नाम के साथ सिंह नकली लोग लगाते हैं, बुरा मत मान, जो है नहीं वो दिखा रहे हम हैं। अरे तुम्हारी गरिमा में उपस्थिति बता देगी कि तुम हो, अगर तुम योग हो तो तुम्हारी योग्यता बता देगी। अब तुम मुंह से कहते हो हम चतुर्वेदी है जी, हम तो जो है वो त्रिवेदी है जी, हम तो ब्राह्मण है जी, अरे तुम हो तो तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा आचरण सब बता देगा, तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं, उपाधियां भी उन्हें लगा ली। सिंह मैंने तो कभी नहीं सुना बेटा, आपने सुना हो तो बताओ, राम के आगे क्या सिंह लगता है, नहीं राम सिंह पुत्र दशरथ सिंह, ऐसा कहीं आपने सुना, पूरी रामायण मैंने पढ़ ली वाल्मीकि, आपने भी तुलसीकृत रामायण पढ़ी होगी, किसी के नाम के आगे कोई उपाधि नहीं है। विश्वामित्र शर्मा, वशिष्ठ चतुर्वेदी, रावण दीक्षित, नहीं बताओ, विभीषण शर्मा, कोई उपाध्याय, कोई शर्मा, कोई चतुर्वेदी, कोई द्विवेदी कभी आपने देखा? आप महाभारत से पहले के जितने भी नाम आपको मिले किसी नाम के साथ कोई भी विशेषण नहीं लगा मिलेगा। दुर्योधन, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, किसी के नाम के साथ सिंह लगाएगा? नहीं, नकुल सिंह, युधिष्ठिर सिंह, दुर्योधन सिंह, ऐसा लगाएगा कहीं क्या? चिंतन करना घर जाकर, और आप और हम अपने नाम के साथ उपाधियां जोड़े पड़े, अरे बोलो जोड़े पड़े ने, इन उपाधियों से हिंदू जाति कमजोर हुई, दुर्बल हुई, बोलो हुई है कि नहीं? इसलिए आवश्यकता सिंह बनने की, जो आप हैं वो आप होंगे, जिस वर्ण के आप हैं उस वर्ण के आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपके गुण, आपके कर्म दिखा देंगे। अगर आप इंजीनियर हो तो ये लगाने की जरूरत है, इंजीनियर राम रामोतार इंजीनियर, या राम दुलारे डीएम, या मोदी प्रधानमंत्री, अपने नाम के साथ लगाते हैं क्या? उपाधियां लगाने की वस्तु नहीं है, उपाधियां दिखाने की चीज है, आचरण से दिखाने की चीज है। इसी तरह से आप जितने भी अपने नाम के साथ उपाधियां लगा रहे इनको बंद करें। महर्षि दयानंद ने इसीलिए एक दिन कहा था, पुनः प्रवचन पढ़िए, उन्होंने कहा कि अरे कर्म भ्रष्ट हुए सो तो हुए, नाम भ्रष्ट क्यों होते हो, गर्व से कहो हम आए, गर्व से कहो आर्य ईश्वर पुत्र, आर्य ईश्वर पुत्र को कहा जाता है, आर्य वो है जो अच्छे काम करता है, नेक काम करने वालों को आर्य कहा जाता है, अच्छे काम करने वालों को आर्य कहा जाता है। तो हम अपने नाम के साथ अगर चाहे तो आर्य लगाए, क्या लगा ले बोलो, हम चाहे तो अपने नाम के साथ आर्य लगा लें, पर और कोई विशेषण हमें अपने नाम के साथ
नहीं लगाना चाहिए, हम कभी नहीं लगाते। हमारे परिवार में महाशय रूप किशोर आर्य जी ने जैसे जैसे तत्याग प्रकाश पढ़ा वैसे वैसे उनकी आंखें खुलती चली। ओहो, किसी ने भी अपने नाम के साथ सिंह नहीं लगाया, और हमने ऐसे ऐसे सिंह देखे अपने आसपास, चूहा निकल आया तो अरे बाप रे, डर के मारे वहां गिरे जा। कॉकरोच निकल आया तो ये नाम के साथ सिंह लगाते, अमृता सिंह, और अमृता सिंह छछूतों को देख के छत पे चढ़ गई, है ना। मतलब इतनी डरपोक कि छछूतों से डर रही हो, चूहे से डर रही हो, है ना। अरे पहले हमारी छत्राणियां होती थी, लक्ष्मी बाई ने अपने नाम के साथ कोई उपाधि नहीं लगाई, लेकिन इतना बल था उसकी भुजा में ना, उसकी तलवार में, जब वो तलवार का वार करती थी ना तो दो मनुष्य एक साथ खड़े हो जाए ना, दोनों कट जाते थे। एक वृक्ष पर वो तलवार मारती थी ना, तो ये बताते हैं कि लगभग 12 इंच का जो वृक्ष होता था तलवार के एक बार में गिर जाता। लक्ष्मी बाई के अंदर इतनी शक्ति थी, आप सोचे जरा, दोनों हाथों से तलवार लेकर के अंग्रेजों के बीच में घुस करके बोलो गाजर मूली की तरह काट डाल, क्या उसके अंदर बल था। तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने नाम के साथ सिंह लगाया था, क्या किसी ने अपने नाम के साथ ये दिखाया था कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। अरे अपने अपने जैसी जिसकी योग्यता, बैंक को तो चारों चाहिए, बैंक में मैनेजर भी चाहिए, बैंक में कैशियर भी चाहिए, बैंक में गार्ड भी चाहिए, और बैंक में चपरासी भी चाहिए। अब जिसकी जैसी योग्यता, भाई जिसमें योग्यता हुई ज्यादा वो मैनेजर बन गया, जिसमें योग्यता इस तरीके की हुई वो गार्ड बन गया, उसके अंदर बल विशेष, और जिसके अंदर कॉमर्स लेन देन का तो कैशियर हो गया, और जिसके अंदर ये तीनों ही योग्यताएं नहीं थी उसने कहा था मैं कुछ नहीं तो तुम्हारी सेवा करूंगा, तीनों के साथ मिलकर के वो चपरासी हो गया। यही तो चारों वर्ण जन्म से नहीं होते, जन्म ना जयति शूद्र संस्कारात् विच्छते, अर्थात हम तो जन्म से सब एक जैसे ही पैदा होते। घर में चार बेटे होते थे, एक मैनेजर हो गया, एक कैशियर हो गया, गार्ड हो गया, चपरासी हो गया, चारों घर आते थे तो चारों बैठते एक थाली बैठाते थे, कहीं छुआछूत था। या मैनेजर ये लिखता था कि ब्राह्मण, या क्षत्रिय लिखता था सिंह, या कैशियर लिखता था वर्मा, या वैश्य लिखता था अलग अलग ना, कोई जरूरत। ये बीमारी, इस बीमारी की बात हम शाम को करेंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं इन बीमारियों से हमारी हिंदू जाति, आर्य जाति इतनी दुर्बल हुई। एक तो इस वजह से हमने जो जातिवाद फैला है, फिर इसके अंदर छुआछूत भी बहुत अच्छे से अंदर तक चला गया, और फिर कुरीतियों का फिर पारावार नहीं रहा, इतनी कुरीतियां कि भाई बढ़ती चली गई, प्रतिमा पूजन तक आई, और यहां से होते होते हुआ ये कि हम ही नहीं है। तो निवेदन किया कि भाई हम जब सत्याग प्रकाश को मेरे पितामह पढ़ने लगे, तो पढ़ते पढ़ते मूर्ति पूजा कहां से चली, जैनियों से चली, कहां से चलाई, अपनी मूर्खता से चलाई, और इस तरह से वो पढ़ते 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 2-3 दिन में पूरा पढ़ गए, और सत्संग होता है वो पढ़ते, और जब वो पढ़ा पूरा उन्होंने, तो फिर वो लिखते हैं अपनी एक पुस्तक में कि उस दिन फिर वो रूप किशोर मर गए और एक नया रूप किशोर पैदा हुआ। अब वो रूप किशोर महाशय रूप किशोर आर्य था, अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द छोड़ दिया, अब वो क्या हो गए, महाशय रूप किशोर आर्य, उनको नाम दिया गया, और उनके घर में एक शिवालय की स्थापना हुई, यज्ञशाला की स्थापना। वो यज्ञशाला छोटी सी बनाई गई, मैंने उसको कालांतर में अभी 1992 में अपडेट किया और उसको अच्छे से थोड़ा सा मेंटेन कर दिया, तो अब आकर के हमने उसको एक अलग स्थान पर बहुत शानदार यज्ञ मंदिर बनाया है। तो मैं निवेदन करूं इस तरह से वो महाशय रूप किशोर आर्य आर्य समाजी हुए, और फिर उनके 6 पुत्र हुए, थे ही पहले से ही थे, और उन सबको उन्होंने फिर गुरुकुल में दीक्षित कराया, पढ़ाया। एक बेटी थी उसको भी बहुत अच्छे से आर्य परिवार में विवाह उनका किया। अभी आपने शायद आर्यावर्त केसरी आता होगा तो उसमें अभी आएगा आपके पास, वो छप गया है, तो उसमें पहले ही पन्ने पर लिखा है विश्वमित्र डॉक्टर विश्वमित्र शास्त्री बने प्रधान आर्य जिला प्रतिनिधि सभा के, तो वो मेरे सगे फुफेरे भाई ही,
तो मेरे जो फूफा जी थे वो पक्के आर्य समाज थे, कट्टर आर्य समाज के महोपदेशक थे। मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे पिता, ये सब महोपदेशक थे और इन्होंने कितनी ही आर्य समाजों की स्थापना करी, कितने लोगों के जीवन सुधारे, कितने काम किए। और फिर मैं उन्हीं महाशय रूप किशोर आर्य के सबसे छोटे पुत्र संजीव रूप की सबसे छोटी संतान संजीव नाम मेरा धरा गया। मैंने अपने बाबा का नाम अपने साथ जोड़ लिया रूप, इसलिए मुझे संजीव रूप कहते हैं। और आपको ताज्जुब होगा ये जान करके, और हो सकता है बुरा लगे या अच्छा भी लगे, मैं 10 बहन भाई हूँ और मैं 8वें नंबर का हूँ। 8वें नंबर के भगवान कृष्ण जी थे। नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ 8वें वाले अच्छे ही होते हैं। और मैंने जो काम किया है वो सुरेंद्र जी जानते होंगे, ये हमारे घर से ही है। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सुंदर सी फिर एक संस्कार शाला खोली गुरुकुल, और उसमें बच्चों को निरंतर मैं संस्कारित करता चला जाता हूं। और साथ ही फिर मैंने अभी कोरोना जब काल आया तो उसमें मैंने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरी पत्नी के पास, आप लोग सब जहां से दे देते हो थोड़े पैसे, मुझे पत्नी ने कहा मेरे पास है, कितने होंगे, बोले 1.5 लाख रुपया है। तो मैंने एक पास में 2 लाख रुपए का प्लाट खरीद लिया, वो 50x50 था, बहुत अच्छा था, चौफर था। हमने उसको खरीदने के बाद, अब हमारे पास उसके बाद कोई तो पैसा ही नहीं था, पर हमने घोषणा कर दी कि हम नींव रखेंगे। तो हमने 2 नवंबर 2019 को उसकी नींव रखी, और रखने के बाद भाई जैसे नींव रखी 2-3 महीने बीते होंगे, उसके बाद वो कोरोना आ गया 2020 में। लेकिन भगवान की कृपा से अच्छे लोग जुड़ चुके थे, आचार्य वाचुदेव जी भी जुड़ चुके थे, और उन्होंने सबने हमारा साथ खूब सहयोग किया, और इस तरह से हम ईटा और मसाला सब खुद भी लग गए और काम करने लग गए, और इस तरह से वो यज मंदिर लगातार बनता चला गया। अब वो बहुत सुंदर सा बन चुका है, आपने फेसबुक पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा, बहुत बढ़िया हमने यज मंदिर बना करके तैयार कर दिया। अभी उसमें बहुत सारा काम बाकी रह गया है, पत्थर लगने को रह गया है, कुछ और भी लिपाई पुताई का काम रह गया, लेकिन वो चालू हो गया। और हमने पता है क्या घोषणा की, हमने ये घोषणा की कि किसी भी गांव में बहुत जो गरीब परिवार की कन्या होगी उसका पूरा विवाह हम यहाँ करेंगे, और उसका पूरा जो खर्चा होगा वो हम अपनी समाज अपनी संस्था से करेंगे। और कोई भी बेटी वाला अपना करना चाहे, कोई भी विवाह करना चाहे, उससे कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा। तो अब तक 3 विवाह हो चुके हमारे उस यजमंदिर में, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमने पूरी व्यवस्था की बहुत बढ़िया सी। कभी आपका भी मन करे कि तीर्थाटन करना है तो आप लोगों का भी स्वागत है, कभी भी हमारे यहाँ तीर्थ के रूप में जब निकले तो आप पधार सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारी देवी जी ख्याल रखती है आने वाले अतिथियों का। तो ये बात चली थी संबोधन से, और संबोधन पूरा पूरा होते होते हम अभी यहाँ आ गए, अब हम अपना प्रवचन शुरू करेंगे। अब हम अपना प्रवचन शुरू करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो हम लोग कथाकार, और हमसे आचार्य जी ने कहा था 2.5 घंटा आपके पास है, मतलब आपको 2.5 घंटे में अपनी कथा करनी है। तो मैं समझता हूँ हमने अपना 60-70% पूरा कर लिया है, अब जो बाकी समय है वो आपको भूख बढ़िया लग जाए उसके लिए आधा घंटे आप लोग मेरा प्रवचन मेरा उपदेश श्रवण करिएगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको हो सकता है थकान हो रही हो बैठे बैठे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा हाथ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आनंद लेकर के मेरी बात को ध्यान पूर्वक आप श्रवण करना, यहाँ तक तो जो मैंने आपके बीच में रखा है वो एक प्रकार से भूमिका में था, मैंने अपना थोड़ा परिचय दिया, आपने बीच में आए हुए प्रणव शास्त्री जी का परिचय दिया, हमारे श्रद्धेय प्रणव मिश्र जी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, इन्होंने भी अपने गांव में अपना जो विद्यालय था उसको संस्कार शाला में बदला, और ये भी निरंतर बच्चों को संस्कारित और शिक्षित कर रहे। अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों का हम हमेशा सहयोग करते और हमको करना भी चाहिए। मैं अब तक लगभग 12 संस्कार शालाएं गुरुकुल बनवा चुका हूं पूरे देश और प्रदेश में अपने, जहां निरंतर वो गतिशील हो। मनुष्य है हम और हमें परोपकार करना ही चाहिए। मनुष्य उसको कहा जो मनन पूर्वक कार्य करे,
लेकिन ध्यान रहे मनुष्य है हम, क्या हमें एहसास है? कितने लोगों को एहसास है? आप जितने लोग बैठे हो आपसे पूछना चाहता हूं, आप मनुष्य हो क्या? नहीं नहीं, कभी कभी कुत्ते को देखा, कभी बंदर को देखा, कभी आपने पशु पक्षियों को देखा, देखा होगा। तो इनको आप अपना आईना बनाओ और कई बार इनमें अपना चेहरा देखा करो, चेहरा देखा करो अपना, और फिर विचार किया करो क्या मैं पशु हूं या मैं मनुष्य हूं। मुझे लोग मनुष्य कहते हैं लेकिन क्या मैं हूं? ये किसी और से नहीं पूछ, ये खुद से पूछ, क्योंकि दूसरे लोग तो तुम्हें मनुष्य ही जान रहे हैं और मनुष्य ही मान रहे हैं, और मनुष्य मान करके ही तुमसे मानवता की इच्छा रखते हुए व्यवहार करते हैं। लेकिन जब तुम उनके साथ चीटिंग करते हो, जब तुम उनके साथ धोखा करते हो, जब तुम उनके साथ छल करते हो, जब उनके साथ तुम फ्रॉड करते हो, तब उनको लगता है धोखा हुआ। मैं तो इसको मनुष्य समझता था पर ये मनुष्य के रूप में कुछ और ही। श्याम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणों न धर्म त्यलोके व्यवहार भूता मनुष्य रूपेण मृगाशरण। क्यों साहब ये श्लोक मेरा तो नहीं, ये विद्वान का, ये कवि का, जिस मनुष्य चोले में रह करके उस जीव को जिसे मनुष्य कहा जा रहा है उसके अंदर अगर ये नहीं है, ये सदगुण नहीं है, तो समझ लो वो केवल पशु की तरह धरती पर भार है। इतनी बड़ी बात कही कवि ने, इतनी बड़ी बात कही। हम मनुष्य कैसे बने? तो हम लोग पहले तो ये विचार लें कि ये जो मनुष्य का चोला है ये है क्या वस्तु। इसके बारे में एक कवि हुए वीर, और मेरे पिताजी भजन गाते थे तो मुझे भी याद हो जाता था वो भजन। मैंने बचपन में सुना जब मैं इतना बड़ा बच्चा था। जी सामने बहुत अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं, जीवन प्रभात के ना जी, बहुत प्यारे बच्चे। ये सारे बच्चे मेरे लिए इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि जितनी देर से मैं बैठा हूं और जिस मुद्रा में मैं बैठा हूं उसी मुद्रा में ये सब बालक बैठे और बहुत मन से बैठे और ध्यान से सुन रहे। जो बच्चा इस आयु में ध्यान से बैठ करके सुनता है वो भविष्य का ध्यान रखना एक बहुत बड़ा आदमी होता है। तो मेरे बच्चों तुम्हें धरती का सबसे बड़ा आदमी बनना, तुम्हें इंजीनियर बनो या ना बनो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम डॉक्टर बनो ना बनो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम बहुत ऊंचे ओहदों पर भी पहुंचो ना पहुंचो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ा आदमी हम इनको नहीं कहते, बड़ा आदमी हम इनको नहीं कहते। देखो भगत सिंह बहुत बड़े ओहदे पर नहीं थे, बंदा बहरा के इंजीनियर नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह, भाई मतीदास, राम प्रसाद बिस्मिल, ये साधारण से ही लोग थे, ये किसी ओहदे पर नहीं थे लेकिन ये बड़े आदमी कहलाते, धरती के बहुत बड़े आदमी, बोलो कहलाते कि नहीं? पर ये बड़े आदमी कैसे बने? महर्षि दयानंद कोई बहुत बड़े किसी ओहदे पर नहीं थे, क्या वो राजा थे? अरे अपना राजपाट तो सब छोड़ दिया था उन्होंने, उनके पिताजी राजा थे पर उस सब को छोड़ दिया उन्होंने और सौंप दिया अपने आप को भगवान के, समाज के, देश के लिए, और बड़े आदमी हो गए। तो बड़ा आदमी कौन होता है? जो अपने आप को नंबर एक भगवान के लिए सौंप दे। ध्यान रखना बच्चों आपको बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? जो खुद को भगवान के लिए समर्पित करते, भगवान मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूं, और तुझे सौंपने का मतलब होता है तत चक्षु देवहितम परस्ता, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में रहना और हर क्षण हर पल परमात्मा की उपस्थिति का विचार करना कि वो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे पास है, यही भगवान को सौंपना है। आप हमेशा ये मान करके चलो कि ईश्वर हमें देख रहा है। ईश्वर जैसे कोई फिल्म बनाता है तो जो सामने कलाकार होता है वो हर पल सजग रहता है, सीसीटीवी कैमरा लगा हो और आपको बता दिया जाए इस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप लोग एकदम सावधान रहते, सजग रहते।
बोलो रहते हो कि नहीं। वैसे ही आप लोग हम लोग अच्छे से समझ रहे कि भगवान सीसीटीवी कैमरा है, 24 आवर हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो हर क्षण में देख रहा है। इसलिए कभी मम्मी नहीं हो, पापा नहीं हो, भाई नहीं हो, कोई भी आपस में पास में नहीं हो, आप बिल्कुल अकेले हो तो भी आप अपने आप को अकेले मत समझना। जिस चारपाई पर मैं लेटता हूं ना, तो मैं एक तरफ एक तकिया रख देता हूं अपने को समझाने के, और वो तकिया इसलिए रख देता हूं और ऐसे हाथ करके सोता हूं। तो कई बार कहते कि तुम ऐसे क्यों सो रहे हो, मैं भगवान को साथ लेके सो रहा हूं, तकिया पे हाथ रखा भगवान के साथ सो रहा हूं, डर भी नहीं लगेगा। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात। तो हम क्यों डरे जब ईश्वर हमारे साथ है, बोलो है कि नहीं। अच्छा ईश्वर है नहीं है, आप मुझे बताओ, ये आपको हंसी वाली बात लग रही है? हंसी वाली बात नहीं, ईश्वर हमारे साथ होता है, हम अकेले कभी नहीं होते। जब हम एक होते हैं तो दूसरा होकर के भगवान हमारे साथ होता है, जब हम दो होते हैं तो तीसरा होकर के भगवान हमारे साथ होता है, जब हम तीन होते हैं तो चौथा, जब हम 100 होते हैं तो 101वां। यहां आप जितने लोग बैठे हो उतने में एक गिनती और लगाओ, बेशक वो खाएगा नहीं, आपका जो बनाए वो खाएगा नहीं, ध्यान रखना, आपकी चीजों पर सोएगा नहीं, ठीक है, लेकिन वो है और उसको भी काउंट करो। अगर आप 75 हो तो 76वां वो भगवान, 50 हो तो 51वां वो ईश्वर है। आप जब गाड़ी में होते हो तो वो उस आपके साथ रहता है, फिर उसको आप गंदे गाने क्यों सुनवाते हो? जब आप बजाया करो गाना कभी भी गाड़ी में या अपने घर में, तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो ये जो मैं बजा रहा हूं ये मेरा भगवान भी सुन रहा? क्या मंदिर में भी ये गाने बजाते हो? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, अरे बजाते हो क्या गाना? बजाते हो नहीं बजाते हो? मंदिर में क्यों नहीं बजाते? अच्छा मंदिर में ये भजन ही क्यों बजते हैं? अच्छे अच्छे क्यों बजते हैं? क्योंकि वो मंदिर है। तो क्या हमारा क्या है? हम जिसमें रहते हैं वो क्या है भाई? वो क्या है? जहां भगवान रहता है उसी को तो मंदिर कहा, जहां भगवान रहता है उसी स्थान को तो मंदिर कहा जाता है। तो मुझे बताओ, मनुष्य ने ईंट पत्थर का मकान बना लिया और वहां पर एक प्रतिमा रख दी देवता की और कहा ये मंदिर है, मतलब ये भगवान का घर है। पागल मुसलमान भी कम नहीं, वो भी मानता है कि मस्जिद भगवान का घर, मानता है कि नहीं मानता है? एक बार एक शराबी पहुंच गया बोतल लेके, उसने सोचा यहां बैठ करके पी लूंगा, वो शराब के कुछ नशे में था, कुछ उसका दिमाग खराब था, क्योंकि शराब पीने वालों के दिमाग अच्छे तो ज्यादा नहीं होते, तो वो पहुंच गया उसमें लेकर के और ढक्कन खोल के पीने लग गया। जब वो पीने लग गया तो वहां पर देख लिया उस मौलाना दौड़ा दौड़ा है लाहौर मिला कुंभक, तो देखता नहीं अल्लाह का घर है, बाहर निकल के पी, और ये इसने दो ढक्कन तो पहले पी, उसके बाद उसने मौलाना से कहा, क्योंकि पीने के बाद इनकी जो है हमारी छठी इंद्री खुल जाती है, और वो खुल गई, वो कह रहा लाया मौलाना जाए शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पे खुदा ना हो। तू कहता ना अल्लाह हू अकबर, तू कहता ना अल्लाह हाजिर है नाजिर है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हाजिर नाजिर है ना, तो जर्रे जर्रे में कण कण में समाया, आपने भजन भी सुना होगा ना, कण कण में जो रमा है हर शय में समाया, सुना है ना? तो भगवान तो ईशावासी एकदम सर्वमेत किंचित जगत त्याम जगत, यजुर्वेद 40वां अध्याय पहला मंत्र कहता है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत त्याम जगत, परमात्मा इस ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ, जैसे दूध के अंदर मक्खन रहता है, दूध के अंदर मक्खन रहता है, वैसे ही परमात्मा है कि नहीं? ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? लेकिन लोगों ने घर बना लिया कि ये अल्लाह का घर, ये भगवान का घर, मंदिर को भगवान का घर कह दिया, मस्जिद को अल्लाह का घर कह दिया, मतलब गिरजे को गॉड का, कुल मिला के ईश्वर का घर कह दिया। तो जितनी देर तक मंदिर में बैठे उतनी देर तक भजन किए, बढ़िया बढ़िया ओम ओम बोले, ओम जय जगदीश, अच्छे अच्छे पद, बढ़िया बढ़िया बातें हो रही है, कोई गंदी बात नहीं, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले फिर चालू उल्टी सीधी बातें है कि नहीं? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब परमात्मा ये सारा जो ब्रह्मांड है उसके जर्रे जर्रे में समाया हुआ,
कौन सी ऐसी शय है क्या वो नहीं है, तब मुझे बताओ क्या इन पत्तों को देख करके, इन वृक्षों को देख करके, इन चलती हुई हवाओं को देख करके, सूरज की रोशनी को देख करके, चांदनी की चांदनी को देख करके आपको भगवान का एहसास नहीं होता? अरे नहीं होता, क्यों नहीं होता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भगवान हमसे दूर नहीं है, वो बहुत निकट है। और ध्यान रखना, भगवान आंखों का विषय नहीं है, ये विषय हम आगे उठाएंगे। भगवान कानों का विषय नहीं है, भगवान नासिका का विषय नहीं है जो सूंघ लो, भगवान रसना का विषय नहीं है जो चख लो, भगवान स्पर्श का विषय नहीं है जो छू करके देख लो। भगवान तो अंदर का विषय, आत्मा का विषय। ध्यान रख, उसको महसूस किया जाता है। एक मुसलमान शायर हुआ, उसने कहा सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। आप सुनना ध्यान से, शेर है ये, वो कहता है कि सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी। आया समझ में? जो कहता है, नीचे से चलते, जो कहता है कि खुदा है तो नजर आना जरूरी है, तब वो शायद कहता सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। मतलब भगवान को तो महसूस किया जाता, जैसे सुख दुख को महसूस किया जाता है, हानि लाभ को महसूस किया जाता है, वैसे परमात्मा को महसूस किया जाता है कि वो है, वो हमें देख रहा है, वो हमारा दृष्टा है। यही समर्पण है भगवान के प्रति। लोग न जाने कैसे कैसे हो गए, अरे उनसे तो अच्छा ये बीरबल का बेटा है। बीरबल का बेटा कौन था? एक बार क्या हुआ कि अकबर ने बीरबल से पूछा कि आज मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, तो मेरे सवालों को उत्तर। उन्होंने कहा बताइए बात। बोले पहले ही बात मुझे बताओ कि ईश्वर अगर है तो रहता कहां, मिलता कैसे और करता क्या? उन्होंने कहा तीन सवाल आपने पूछ लिए, मैं आपको इनका जवाब तो दूंगा लेकिन कुछ वक्त दो, मैं आपको इन सवालों के जवाब कल दूंगा। बोले ठीक है, तुम जवाब लेकर के आना, मैं तुम्हें मोहलत देता हूं। अब ये घर आए बड़े परेशान, बीरबल का बेटा था, तुम्हारे बराबर बेटा, वो भी समझदार था और स्वाध्याय करता था, पढ़ता था अपने गुरुकुल। तो पिताजी की चिंता को देखकर के पुत्र भी चिंतित हो गया, स्वाभाविक था। कहा पिताजी क्यों चिंतित हो? अरे बोले बेटा क्या करूं, आज राजा ने बादशाह ने सवाल पूछ लिए हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उसका उत्तर दूं। बोले क्या सवाल थे? सवाल बता दिए, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर कहां रहता है, कैसे मिलता है, क्या करता है। बोले अच्छा तो ठीक है पिताजी, आप सो जाइए, कल मुझे चलना लेकर के दरबार में जाऊंगा और मैं। बोले तुम जाओगे, तुम तो पहले कभी गए नहीं। बोले तो क्या हुआ, पहली बार ही सही, जाऊंगा मैं, जवाब दूंगा। ठीक, पिताजी पुत्र को लेके पहुंच गए। जब पिताजी पुत्र को लेके पहुंच गए तो उन्होंने कहा भाई हाँ भाई बीरबल, सभा की कार्यवाही आरंभ हो चुकी थी। बोले बताओ मेरे सवाल का उत्तर। उन्होंने कहा कि आपके तीनों सवालों का उत्तर मेरा बेटा दे। उन्होंने कहा अच्छा, ये छोटा सा बालक देगा? बोले हाँ। बोले ठीक है, हमें क्या, हम तो जवाब चाहते हैं, तुम दो या तुम्हारा बेटा दे, बताओ बेटा ईश्वर कहां रहता, कैसे मिलता। तो उन्होंने बेटे ने हाथ जोड़ करके महाराज को पहले तो प्रणाम किया और कहा महाराज इस देश का नाम आर्यावर्त है भारत, और भारत की एक सनातन संस्कृति रही है, यहां अतिथि देवता होता है, अतिथि देवो भव। मैं आज पहली बार आपके दरबार में आया, ब्राह्मण पुत्र हूं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आया, आपका अतिथि हूं। क्या अतिथि सत्कार आपको अभीष्ट नहीं? बिना अतिथि सत्कार के ही आपने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। राजा को थोड़ा एहसास हुआ, उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो हम भूल गए भाई, बेटे के लिए सत्कार में दुग्ध लाओ, क्या खाओगे आप? बोले मैं दूध पी लूंगा। बोले ठीक है, दूध लेके आओ, सोने के कटोरे में दूध आ। अब वो बेटा दूध का कटोरा सामने धरकर बैठ गया और उस कटोरे में ऐसे ऐसे देखते हुए उंगली चलाने लगा।
तो उन्होंने बहुत देर जब होगी, बेटा पीते क्यों नहीं, क्या इसमें कुछ गिर गया है, क्या ढूंढ रहे, मक्खी वगैरह गिर गई हो तो फिर बताओ। बोले नहीं नहीं मक्खी नहीं गिरी, मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूं। उन्होंने कहा तुम इसमें मक्खन ढूंढ रहे हो, बेटा मक्खन इसमें थोड़े ही ऐसे मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा, बोले पहले इस दूध को जमाना पड़े और जमाने के बाद जब ये दही बन जाएगा तो इसको मथनी से मथना पड़ेगा खूब देर तक, तब जाकर के मक्खन निकलेगा, ऐसी थोड़ी। बोले इसका मतलब इस दूध के अंदर मक्खन है। बोले हाँ हाँ इस दूध के अंदर मक्खन है। बोले इस दूध के कण कण में मक्खन है। बोले हाँ हाँ बूंद बूंद में जर्रे जर्रे में मक्खन है, और मिलेगा एक प्रोसेस के द्वारा, उसके लिए ढंग है, विधि है, विधान है, वैसे मिलेगा। क्या तुम्हारे घर में ऐसे नहीं होता है? बोले होता तो है, पर मैं आपसे पूछ रहा था क्योंकि आपके सवालों के उत्तर देने थे। बोले महाराज दो सवालों के उत्तर लीजिए, आपने मुझसे सवाल किया था तो पहले सवाल का उत्तर यही है कि जैसे आपने कहा भगवान कहाँ रहता है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसे दूध के अंदर मक्खन रहता है ऐसे ही वो परमात्मा, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के कण कण में रहता है, वो हर जगह, वो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। कैसे मिलेगा? बोले जैसे मक्खन मिलता है दूध में से, वैसे ही वो मिलेगा। अष्टांग योग यम नियम आदि का हमने विधान करना होगा, अष्टांग योग का पालन करना होगा। अष्टांग योग ही वो मथनी है जिससे मथ करके हम उस मक्खन को अर्थात मक्खन रूपी परमात्मा को प्रकट करते हैं, समाधिस्थ होकर के हम उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। ओहो दोनों सवालों के उत्तर मिल गए, बड़े प्रसन्न हुए बादशाह। फिर कहने लगे वाह 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 वाह, मान गया मैं, मान गया तुम्हारे समझाने का ढंग बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा, आनंद हुआ, दोनों सवालों से संतुष्ट। अब तीसरा सवाल और रह गया है, वो करता क्या है? बोले अब सारे सवाल ऐसे ही पूछ लोगे, अच्छा सवाल गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बन के? बोले भाई सवाल तो शिष्य बन के पूछा जाता, छोटा बन के पूछा जाता, और गुरु की कोई आयु नहीं होती, ज्ञान ही गुरु है, ध्यान रखने क्या है, ज्ञान ही गुरु है। कई बार लोग शरीर को देखते हैं कि मैं तो 70 का हो गया, मैं तो 80 का हो गया, मेरे सामने तो ये 15 साल का 20 साल का है, ये तो बालक है। ध्यान रखना ये शूद्र की परिभाषा है, शूद्र शरीर को देखते हैं पर विद्वान ज्ञान को देखते, क्षत्रिय बल को देखते और वैश्य धन से अपनी आयु की गणना करते हैं। तो ज्ञानवृत्त ही गुरु होता है। बोले वाजी मां गुरु ऊपर बैठा हुआ है और शिष्य नीचे, ये तो कुछ जमा नहीं। अकबर हंसे और हंस करके नीचे उतरे और बेटे को उठा के सिंहासन का ससम्मान बिठा दिया, खुद नीचे बैठ गए। बोले अब बताओ ईश्वर क्या करता है? बोले ईश्वर यही करता है कर्मों के अनुसार सबको यथावत फल देता है, जो नीचे है उनको ऊपर कर देता है, जो ऊपर है उनको नीचे भी ले आता है, जैसे तुम अभी ऊपर से नीचे आ गए हो और मैं नीचे से ऊपर आ गया हूं। ये चक्र चल अवश्य इसीलिए हम सबको परमेश्वर के विधान वेद के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए। तो मैं निवेदन करने लगा, हमने सबने एक बहुत बड़ी भूल की है और वो मानव जाति की सबसे बड़ी भूल है कि उसने अंग्रेजी पढ़ी, उसने विज्ञान पढ़ा, उसने भूगोल पढ़ी, उसने गणित पढ़ी, उसने लॉ पढ़ी, उसने तमाम तरीके के बहुत सारे विषय पढ़े, लेकिन उसने दो चीजें नहीं पढ़ी और वो दो चीजें थी उसने सच्चाई नहीं पढ़ी, उसने ईमानदारी भी नहीं पढ़ी। अगर वो सच्चाई और ईमानदारी पढ़ता तो निश्चित रूप से उसका भूगोल पढ़ना सार्थक होता, क्योंकि फिर वो उसका जो भूगोल था वो मानवता के उत्थान के काम आता, उसका विज्ञान मानव के उत्थान के काम आता, उसकी गणित, उसकी चिकित्सा, उसके नाना प्रकार की जो शिक्षाएं थी वो सबके कल्याण के काम आती और वो निश्चित रूप से धरती माता का सच्चा पुत्र होता, जो कह सकता था डिमडिम घोष करते हुए कह सकता था भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। ध्यान रखना सदाचारी ही धरती माता का सच्चा पुत्र होता है और दुराचारी ही धरती माता का सच्चा कपूत होता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धरती पर रहने वाले चाहे कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचारी है, वो लंपट है, वो
गलत काम करने वाले हैं तो वो पृथ्वी माता के धरती माता के कपूत हैं, और जो सदाचारी है वही सच्चे सपूत हैं। तो बेटा क्या बनना है हम लोगों को? अपनी पृथ्वी माता का सपूत बनना है, सुपुत्र बनना है। और ये कब होगा? जब हम अपने आप को मनुष्य बनाएंगे। और मनुष्य हम कैसे बनेंगे? तो कहा मनुष्य हम तब बनेंगे जब हम मनन करेंगे, मनन पूर्वक कार्य करेंगे। और ये जो मनुष्य देह हमको मिला है, इस मनुष्य देह की सार्थकता कब होगी? तो मंत्र आता है बहुत प्यारा सा सामवेद का, ओम, बोलो मेरे साथ, ओम अग्निमिंदो मनसा धियम सचेत मर्त्य अग्निमिंधानो विवस्वभि। छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र में कहा जा रहा है कि ऐ मनुष्यो, तुमको मैंने जो ये मनुष्य देह दिया, ये वो है जो सर्वोत्तम, इससे बेहतर कोई दूसरी योनि, कोई दूसरा चोला नहीं हो सकता था, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो दूसरे पशु, कितना ही विलासिता पूर्ण जीवन जीने वालों के घर में कई बार कुत्ते भी पलते हो। सकता है आपके घर में भी कुत्ते, आप में से किस किसके घर में है पले हुए कुत्ते, जरा एक बार बता दीजिए मुझे। नहीं, कोई कुत्ता पालते हैं आप लोगों में से? तो शर्मा को बता दो ना एक बार। एक तो वो बहन जी पालते हैं, आप में से कोई? एक आपके घर में। तो शर्मा ना क्या है इसमें? आपके घर में है? नहीं पालता? अच्छा चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने देखा है इंदिरा गांधी भी कुत्ता पालती थी, और इंदिरा गांधी जी जब वो आती थी विदेश से तो उनका कुत्ता याद आ जाता था। वो कुत्ता आता था एयरपोर्ट पे तो उनकी वो पूरी गाड़ी होती थी ना, तो वो तो आगे बैठती थी, वो पिछली वाली सीट पे वो पूरे महाराज पसंद थे और वो उनको सहलाते हुए जाते थे। तो कई बार तो मन में लोगों के आता होगा क्या कुत्ते की किस्मत है, काश हम भी कई बार ऐसा सोचता है क्या भाई? देखो कुत्ता चाहे कितनी ही बढ़िया स्थिति में क्यों ना हो, कितने ही धनवान के पास क्यों ना हो, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं आप में से एक भी व्यक्ति उस कुत्ते के भाग्य को देख करके, भोगों को देख करके कभी ये नहीं कहता होगा भगवान मुझे भी अगले जन्म में कुत्ता बना, कहता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। युगो युगो के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानव का चोला पाना कोई बच्चों वाला तो बहुत शुभ कर्म है मेरे बच्चों, तब जाकर के हमको ये मनुष्य देह मिला है। तो भगवान कहते हैं तुम इस मनुष्य देह को पाकर के इतराओ और व्यर्थ में मत गवाओ, एक एक क्षण का सदुपयोग करो, क्योंकि मनुष्य देह का मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए इस मनुष्य देह को तुमने जो पाया है शुभ कर्मों से पाया, इसे केवल आहार निद्रा भय मैथुन भर के लिए मत छोड़ने, विशेष करना। और विशेष क्या है? वो ध्यान से सुन, ये मनुष्य देह एक स्थल है, एक स्थल, स्थल का मतलब जैसे एक मकान, ठीक है ना? इस मकान में रह करके तुम्हें दो काम करने, पहला क्या है? पहला है तुम्हें अपने कर्मों के फलों को भोगना है, मतलब ये भोग योनि। वैसे तो ये जितने भी हैं पशु पक्षी कीट पतंग सारी भोग योनि है, लेकिन मनुष्य देह केवल भोग योनि नहीं। तो कहा कि ये जो मनुष्य देह है वो यद्यपि भोग योनि भी है, इसमें आपको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना है, लेकिन एक नई बात, और वो क्या कि तुम्हें छूट मिली हुई और वो परमात्मा ने तुम्हें दी। स्वतंत्र कर्ता जीवात्मा है, और ये स्वतंत्र कर्ता इसलिए है क्योंकि ये अपनी इच्छा से काम कर सकता है। ये सीखना चाहे तो बहुत अच्छे से सीख करके पक्षियों से भी अच्छा उड़ सकता है, ये सीखना चाहे तो सीख करके मछली से भी ज्यादा अच्छा तैर सकता है। ये पशु पक्षियों की औकात इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये उनसे बहुत आगे जा सकता है, ये चांद पे जा सकता है, मंगल पे जा सकता है, ये सागर की गहराइयों को नाप सकता है। कौन सा ऐसा काम है ये जो मनुष्य नहीं कर सकता, सीखना चाहे तो। इसीलिए शास्त्र कहता है सम श्रुतेन गमे वही, सत्संग का क्या अर्थ होता है शाम को बताएंगे,
मैं निवेदन करता हूं कि हम लोग मनुष्य हैं तो हमें एक स्वतंत्र कर्ता होने के चलते छूट मिली है। अब छूट काहे की मिली है? नए कर्मों को करने की, हमें नए कर्म करने की छूट मिली है। मेरा अंतिम मैं समापन की ओर भी हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा विशेष, क्योंकि अंत भला तो सब भला, कथा पूरी होने जा रही है आज की, और आपको बहुत आनंद होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ अच्छा सा लेकर के आप जाएंगे। क्या बोला मैंने? छूट मिली है, और छूट जब मिले तो कई बार लोग छूट का गलत फायदा उठाते, बोलो उठाते ही नहीं उठाते, छूट का प्राय गलत फायदा उठाते। हमको महर्षि दयानंद ने छूट क्या दे दी? हम तो यज्ञ करते ही नहीं दोनों समय। महर्षि दयानंद ने दोनों समय अग्निहोत्र, दोनों समय संध्या का विधान किया। हमारे घर में हमारे बच्चों को याद नहीं मुझे कि कभी भी बिना यज्ञ और बिना संध्या के दोनों समय भोजन दिया गया। दोनों समय हमारे यहाँ भोजन किसी को नहीं दिया जाता। अतिथि भी आ जाए अगर तो वो भी सुबह आया है तो पहले यज्ञ के समय आया तो यज्ञ करे, और शाम को ठहरता है तो यज्ञ और संध्या दोनों करने हो, तो दोनों समय विधान। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दोनों समय हमें करना चाहिए, यही हमारी आत्मा की उन्नति का साधन है। लेकिन स्वामी जी ने लिखा कि अगर कभी आपातकाल यात्रा में है या कोई और परेशानी है, हो सकता है तमाम तरीके की समस्या आ जाती है, तो बोले दोनों समय नहीं कर पाओ तो आप प्रायश्चित पूर्वक एक समय करो, अर्थात सुबह अगर नहीं कर पाए तो शाम को दोनों समय के मंत्रों से कर लो, और शाम को नहीं कर पाए तो सुबह को पिछले वाले जो आपका छूट गया है उसका प्रायश्चित करते हुए आप भगवान से क्षमा मांगते हुए कि प्रभु हमसे भूल हुई, हम यज्ञ नहीं कर पाए, अब हम कर लेते हैं, तो फिर आप सायकालिक मंत्रों से करो। आगे का नहीं होता है, जैसे आपको पता है कि शाम को मैं यज्ञ नहीं कर पाऊंगा तो अगले वाले का प्रायश्चित नहीं होता है, प्रायश्चित पिछले वाले का होगा, भूल पहले हुई थी ना उसका प्रायश्चित होता है। इसलिए प्राय विद्वानों को जब संस्थाओं में यज्ञ कराएं तो दोनों समय का यज्ञ नहीं भी कराना, मैं नहीं भी कराता हूं कई बार, क्योंकि यहां तो हम यज्ञ का प्रचार कर रहे हैं और मंत्रों से हम कर लेंगे, लेकिन हम सायकालीन यज्ञ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने तो किया था, अगर किया था तो हम क्यों करें, और जिन्होंने किया ही नहीं या जो करते ही नहीं उनके लिए हम करके क्या करें। इसलिए निवेदन करना कि दोनों समय यज्ञ करना अभीष्ट है, लेकिन जब छूट दे दी तो मैंने देखा कि बहुत सारे आर्य परिवार के लोग भी दोनों समय यज्ञ नहीं कर रहे, एक ही समय यज्ञ करके काम चल, जबकि उनके पास समय होता है, वो चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ में 7 मिनट लगते हैं। आप चाहे तो मेरे को यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं, मैंने इसमें लिखा है 7 मिनट में यज्ञ करें, मात्र 7 मिनट यज्ञ में लगते हैं। इतनी देर तो आप मंदिर में जाओगे ना, लौट के आओगे तो 15 मिनट लग जाएंगे, 7 मिनट में आप घर में ही हवन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं निवेदन करने लगा कि छूट का गलत फायदा उठाते हो, पर हमें भगवान ने छूट दी, और छूट दी कि हम नए कर्म कर सकते। पशु पक्षी अन्य योनियों में, भोग योनियों में छूट नहीं है, वहां पर बंधन है, बंदर भालू चिड़िया कुत्ता गधा ये सब नए कर्म नहीं कर सकते, तो बंधन है, जैसे जेल में बंद कैदी। हम लोग मनुष्य है तो हम स्वतंत्र है, हमको नए कर्म करने की छूट है। तब मंत्र कहता है धियम सचेत, सावधान होकर के बुद्धिपूर्वक तुम कर्म करो, ऐ मनुष्य तू सावधान होकर के सचेत होकर के नए कर्म कर। तो मैंने पूछा भगवान मेरे नए कर्म कैसे हो, तो भगवान ने उत्तर दिया जो बंधन से छुड़ा दे, जो दुखों से छुड़ा दे, वही तो होना चाहिए। दैविक भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों से तो छुड़ा दे, जन्म और मृत्यु के बंधन से भी छुड़ा दे, मेरे नए कर्म ऐसे हो। तो इस लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी? तो फिर मंत्र में कहा, अब मैं बहुत शीघ्र तर्क कर रहा हूं, मैं मंत्र की भावना आपके सामने केवल रख रहा हूं। मंत्र में कहा गया कि इस लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी, तो कहा कि इस लक्ष्य की पूर्ति उपासना से होगी। कैसे होगी बोलो? उपासना से। उपासना से क्या होगा मैंने पूछा, तो भगवान ने कहा उपासना से बुद्धि कल्याणी होगी। उपासना से बुद्धि, आप लोग अभी उपासना कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उपासना अर्थात वेद का संग करना, विद्वान का संग करना, भगवान का संग करना, क्योंकि विद्वान वेद ये सब आपको भगवान से ही तो जोड़ रहे हैं। मैं तो केवल माध्यम, मैं जो आपके सम्मुख बोल रहा हूं ये सब भगवान का ही है, ध्यान रखना। ईश्वर ने जो कहा
मुझे मैंने सुना, मैं अपनी वाणी से बोल रहा हूं, तो ये मेरा अपना नहीं है, सारा ईश्वर का है। सहेशा पूर्वेशा मपि गुरु, वो परमात्मा ही हम सबका गुरु है, वही हमको ज्ञान देता, उसने मुझे दिया और मैं आप मुंह से केवल बोले जा रहा, आप सुन रहे, मैं भी सुन रहा हूं, मेरी आत्मा भी सुन रही है मेरे बोले हुए को। ध्यान रखना, मैं एक ऐसा वक्ता हूं, मैं खुद में सुनता हूं और सुन करके बोलता हूं, मैं बोले जा रहा हूं, बोलने वाला तो परमात्मा है और आप लोग सुन रहे, ध्यान रख। तो कहा कि उपासना, उपासना से क्या होता है, बुद्धि कल्याणी होती है। अगर बुद्धि कल्याणी नहीं हो रही तो समझना आपकी उपासना हो ही नहीं, ध्यान रख। उपासना से बुद्धि कल्याणी होनी चाहिए, तो उपासना से बुद्धि कल्याणी होती है, और जब बुद्धि कल्याणी होती है तो क्या होता है, तो तब मिथ्या ज्ञान मिट जाता है। मिथ्या ज्ञान, ये करूं ये ना करूं, विकल्प वाला जीवन, चलो नहीं करता, चलो कर लेता हूं, मिथ्या ज्ञान, सही क्या है गलत क्या है ठीक से मेरे को पता ही नहीं, तो मिथ्या ज्ञान मिट जाता है। और जब मिथ्या ज्ञान मिट जाता है, चीजें स्पष्ट हो जाती है, तो पाप कर्म में अरुचि हो जाती है। अब मेरे को पाप कर्म वैसे ही बुरे लगते जैसे मैं शाकाहारी हूं, सामने कहीं अंडे की आमलेट बिक रही हो, या मेरे साथ मीनू आ गया, मैं होटल में गया और मेरे सामने वेज नॉन वेज दोनों का ही चार्ट आ गया, सर बताओ मैं देखूंगा भी क्या नॉन वेज की तरफ, मतलब नॉन वेज वाली लिस्ट को मैं पढ़ता भी नहीं हूं, क्योंकि पढ़ने से भी घिन आती है अगर मैं नहीं खाता हूं, है कि नहीं। तो अगर कहीं आमलेट बिक रहा है तो मैं तो उसके ठेले की तरफ देखूंगा भी नहीं, लेकिन जो खाता है वो तो दौड़ेगा, बोलो दौड़ेगा कि नहीं। तो वैसे ही पाप कर्मों में अर्ची अंडे की तरह हो जाए, पर दारिश्य मात्र, आप जितनी भी बैठी हो, मुझे तो कोई अपनी बड़ी दीदी लग रही है, कोई छोटी बहन लग रही है, कोई मुझे मेरी तृप्ति लग रही है, मेरी बेटी लग रही है, कोई माँ लग रही है, तो मेरे मन में आप लोगों को देख करके केवल यही भाव जग रहा है कि आप सब मेरी माँ बहन बेटी की तरह ही, क्यों जी, आप सबको देख करके मुझे लग रहा है आप मेरे भाई हो, मेरे पिता हो, आप मेरे पुत्र हो, बत हो, क्यों जी। तो परदारेशु मात्रवत परद्रव्येषु लोष्टवत, आपका सोना चांदी पड़ा हुआ है, मेरे को क्या मतलब, मैं तो कुर्सी पे बैठा है बैठ गया, आपका देख करके भी मैं उसकी तरफ मेरे मन में कोई रुचि नहीं आ रही कि मैं इसको उठा लूं। तो ये चीज जब हो जाए तब समझना आपकी उपासना सिद्ध हो रही, उपासना से बुद्धि कल्याणी होती है, बुद्धि कल्याणी होती है तो पाप कर्म में अरुचि होती है, और पाप कर्म में अरुचि हो गई तो जब आप पाप करेंगे ही नहीं तो फिर बंधन खुल जाए, बोलो बंधन खुलेगी। तो जब तक पाप कर्मों में अरुचि नहीं होगी तब तक बंधन खुलने वाले नहीं है। तो पाप कर्मों में अरुचि कब होगी, पाप कर्मों में अरुचि तब होगी जब आपकी बुद्धि कल्याणी होगी, और बुद्धि कल्याणी कब होगी, जब आप उपासना करेंगे। इसलिए उपासना को प्रथम बनाइए, उपासना को प्रथम रखिए, सुबह को उठिए और उठते ही भगवान के पास बैठिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए जहां से शुरू किया था वहीं पर समाप्त करेंगे, उपासना से ही शुरू किया था, उपासना से ही कथा को वर्णित करेंगे, पंक्तियां मेरे साथ बोलिए, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, प्रभु जी सदा कृपा हम पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, देखे सदा ही भगवन, देखे सदा ही भगवन, हम अपने अवगुणों को, हम अपने अवगुणों को, देखे सदा ही भगवन, औरों के सद्गुणों को, प्रभु जी बुराइयों से, प्रभु जी बुराइयों से हमको बचाए रखना, हमको बचाए रखना, जय
जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना, उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही हम पर, प्रभु जी सदा ही हम पर, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए वेद भगवान की जय। आप सबका धन्यवाद। अब लगभग एक बजा दिया मैंने, बाकी का काम जो भी बजने में शेष रह गए हैं वो आचार्य जी करेंगे। श्रद्धे